हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्रिएटिव लाउंज। आज मैं आपको ये बहुत ही ब्यूटीफुल बेबी कार्डिगन बुनना सिखाऊंगी। इस कार्डिगन को मैंने 1 to 2 ईयर के बेबी के लिए 1 से 2 साल के बच्चे के साइज़ के अकॉर्डिंग तैयार किया है। इसके साइज़ को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, ये भी मैंने वीडियो में आगे जाकर बताया है। इसको बुनने के लिए मैंने यहाँ पे गंगा की वॉर्म एंड सॉफ्ट प्योर वूल यूज़ की है और इसके साथ साथ नीडल साइज 10 यूज़ किया है। और इसको मैंने 2 कलर में बुना है। ये हमारे पैटर्न की राइट साइड है, योक पार्ट की भी और पैटर्न की भी। और ये मैंने दूसरा पिंक कलर में बुना है, ये हमारे पैटर्न की रॉन्ग साइड है यहाँ से और ये योक पार्ट से। तो दोनों ही साइड्स इसकी बहुत ही ब्यूटीफुल लगती हैं। आपको जो साइड अच्छी लगे आप राइट या रॉन्ग सेट कर सकते हैं। तो चलिए कैसे हमें इसको बुनना है, स्टार्ट करते हैं बुनना। इस बेबी कार्डिगन को बुनने के लिए मैंने यहाँ 80 स्टिचेस 80 फंदे कास्ट ऑन कर लिए हैं। अब ये हमारी राइट साइड है, यहाँ से राइट साइड से काउंट करते हुए अब हमें टोटल 8 सलाइयाँ 8 रोज बुनकर कंप्लीट करनी है। और इन रोज को राइट साइड से भी रॉन्ग साइड से भी हमें उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट करना है। फर्स्ट फंदा ऐसे हम स्लिप कर लेंगे। इस फंदे को स्लिप करने के बाद पूरी रो को ऐसे उल्टा उल्टा बुनते हुए हम कंप्लीट कर लेंगे। राइट साइड की इस रो में फर्स्ट फंदा स्लिप करके मैंने यहां तक सारे फंदों को उल्टा बुन लिया है। जिस तरह से इस रो को मैंने बुना है ऐसे ही रॉन्ग साइड की रो को भी हम बुन लेंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करके पूरी रो को उल्टा बुन लेंगे। तो अब ऐसे हम टोटल ये 8 सलाइयां कंप्लीट कर लेते हैं बुनकर। राइट साइड से भी और रॉन्ग साइड से भी उल्टा उल्टा बुनते हुए मैंने यहाँ पे ये 8 सलाइयां 8 रोज बुनकर कंप्लीट कर ली हैं। अब हम जब राइट साइड से यहाँ से ये उल्टी उल्टी लाइंस देखेंगे तो ये हमें 4 नजर आएंगी, 1 2 3 4। और ये जो एक उल्टी लाइन है 2 सलाइयों के बुनने से इस तरह की बनती है। अब हम राइट साइड 9th रो पर आ गए हैं। यहाँ से हम इस तरह से आगे इस योक पार्ट को बुनेंगे। यहाँ पे इस तरह से डिज़ाइन को डालते हुए स्टिचेस को इंक्रीज करते हुए हम इस रो को बुनेंगे। तो वो देखिए हमें किस तरह से करना है। हमारे पास जो ये 80 स्टिचेस हैं, 80 फंदे हैं, इनमें से हम 7 फंदे इस साइड और 7 फंदे इस साइड, इट मीन्स दोनों तरफ 7-7 फंदे हम बटन स्ट्रिप के लिए रखेंगे और बीच वाले फंदों पे हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो अब राइट साइड 9th रो से स्टार्टिंग के जो हमारे बटन स्ट्रिप के स्टिचेस हैं 7 स्टिचेस, उनमें से पहला फंदा तो ऐसे हम स्लिप कर लेंगे और नेक्स्ट फंदों को हम ऐसे उल्टा बुनेंगे। फर्स्ट फंदे को स्लिप करके नेक्स्ट फंदों को मैंने उल्टा बुन लिया है। यहां तक हमारे ये बटन स्ट्रिप के 7 फंदे 7 स्टिचेस कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो स्टिचेस हैं उनको देखिए हमें किस तरह से बुनना है। स्टार्टिंग के इन दोनों फंदों को हम ऐसे उल्टा बुनेंगे। 2 फंदों को उल्टा बुन लेने के बाद अब हमें यहाँ पे एक फंदा बढ़ाना है, जिसके लिए धागा ऐसे हम पीछे लेकर जाएंगे, ऐसे सिलाई पर लपेटते हुए आगे ले आएंगे। अब फिर से हम नेक्स्ट 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। 2 फंदों को उल्टा बुन लेने के बाद फिर से हमें यहाँ पे एक फंदा बढ़ाना है, जैसे हमने पहले किया था, धागा ऐसे पीछे लेकर जाएंगे, सिलाई पर लपेटते हुए आगे ले आएंगे। फिर नेक्स्ट 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, फिर धागा ऐसे पीछे लेकर जाएंगे, सिलाई पर लपेटते हुए आगे ले आएंगे, फिर 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। तो इसी तरह से 2 फंदे उल्टा बुन लेने के बाद हम ऐसे ही धागा सिलाई पर ऐसे लपेटते हुए आगे ले आएंगे, फिर 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। तो एक एक फंदा हम 2 उल्टे फंदों को बुनने के बाद ऐसे बढ़ाते जाएंगे। इस प्रोसेस को हम एंड के 9 स्टिचेस तक, 9 फंदों से पहले तक इसी तरह से रिपीट करते जाएंगे। जैसे 2 फंदे हमने ये उल्टे बुने, फिर धागा इस तरह से पीछे लेकर जाएंगे, सिलाई पर लपेटते हुए आगे ले आएंगे, फिर से 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर धागा ऐसे सिलाई पर लपेटते हुए पीछे से आगे ले आएंगे और फिर 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। तो इस तरह से इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए हम लास्ट के 9 स्टिचेस से पहले तक इसको बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। 2 फंदों को उल्टा बुनकर एक फंदा बढ़ाते हुए इस प्रोसेस को रिपीट करते हुए हम यहाँ पे लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में अब हमारे पास यहाँ पे 9 स्टिचेस हैं, 9 फंदे बचे हैं और यहाँ पे हम 2 फंदे उल्टे बुन चुके हैं। तो एक फंदा हम यहाँ पे बढ़ा लेंगे, जैसे पहले बढ़ाते हुए आए हैं इस तरह से,
अब हम इन 9 फंदों को उल्टा बुनकर इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। इन 9 फंदों को उल्टा बुनकर मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे इस रो में हमने सेंटर में जो फंदे बढ़ाए हैं वो 32 हैं, 32 फंदे बढ़ा दिए हैं। 80 फंदे हमारे पास स्टार्टिंग में थे, 32 फंदे यहाँ पर बढ़ा देने से अब टोटल फंदे 112 हो गए हैं, 112 स्टिचेस हो गए हैं। इसके बाद हम रॉन्ग साइड की 10th रो पर आ जाएंगे। अब 10th रो को देखिए किस तरह से हम बुनेंगे। जो हमारे ये 7 फंदे बटन स्ट्रिप के हैं, इनमें हम यहाँ पे बटन होल देंगे। बटन होल बनाने के लिए फर्स्ट फंदा हम स्लिप करेंगे, नेक्स्ट 3 फंदे हम उल्टा बुनेंगे। फर्स्ट फंदे को स्लिप करके 3 फंदों को उल्टा बुन लेने के बाद अब हम धागा ऐसे पीछे लेकर जाएंगे, सिलाई पर लपेटते हुए आगे ले आएंगे। नेक्स्ट 2 फंदों को इकट्ठा एक साथ लेंगे, उल्टा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे, फिर नेक्स्ट फंदे को उल्टा बुन देंगे। इस तरह से हमने इन 7 फंदों को बुन दिया है। इसके बाद अब हमें नेक्स्ट ये 2 फंदे सीधे नजर आ रहे हैं, इन दोनों फंदों को हम सीधा बुनेंगे। ये जो जाली वाला फंदा है इसे उल्टा बुनेंगे, फिर नेक्स्ट 2 फंदे सीधे, जाली वाला फंदा उल्टा। तो यहाँ पे एंड तक जो भी जाली वाले फंदे हैं इनको तो हमें उल्टा बुनना है, और जो भी फंदे ये सीधे नजर आ रहे हैं इनको हम सीधा बुनेंगे। लास्ट के 7 फंदे जो हमारे बटन स्ट्रिप के हैं इनको हमें उल्टा बुनना है। ऐसे इस रो को हम बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। अब हम धागा ऐसे पीछे लेकर जाएंगे, नेक्स्ट 2 फंदे ये सीधे हैं इनको हम सीधा बुनेंगे, फिर ये जाली वाला फंदा आ जाएगा, धागा आगे लाकर इस फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे, 2 फंदे सीधे हैं इनको हम सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, इस जाली वाले फंदे को उल्टा बुनेंगे। तो इसी तरह से यहाँ से इन फंदों को हम बुनते चले जाएंगे, और लास्ट में जो ये हमारे 7 फंदे बटन स्ट्रिप के हैं इनको हम उल्टा बुनेंगे। ऐसे इस रो को हम बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड की इस 10th रो में जो बटन स्ट्रिप के 7 फंदे थे इनको तो मैंने उल्टा बुना है, और बीच में जो जाली वाले फंदे थे इनको उल्टा बुना है। उसके अलावा सारे फंदों को सीधा बुन लिया है। अब इस रो को बुनकर कंप्लीट करने के बाद हम राइट साइड की 11th रो पर आ गए हैं। अब इस रो में जो स्टार्टिंग के हमारे बटन स्ट्रिप के स्टिचेस हैं, फर्स्ट फंदा स्लिप करके इन फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। फर्स्ट फंदे को स्लिप करके नेक्स्ट फंदों को मैंने उल्टा बुन लिया है। यहां तक ये 7 फंदे हमारे बटन स्ट्रिप के कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद जो दूसरी साइड के 7 फंदे हैं वो भी हमें यहाँ पे जब हम आएंगे तो हमें उल्टे बुनने हैं। और जितने भी ये हमारे सेंटर के फंदे हैं, जो फंदे इस रो में जैसे दिख रहे हैं वैसे ही हमें बुनने हैं। तो अब देखिए इन 7 फंदों को बुन लेने के बाद नेक्स्ट 2 फंदे ये उल्टे नजर आ रहे हैं, तो इन दोनों फंदों को हम ऐसे उल्टा बुनेंगे। इन दोनों फंदों को उल्टा बुन लेने के बाद अब ये वाला जो फंदा है इस फंदे को हमें सीधा बुनना है। धागा ऐसे पीछे लेकर जाएंगे, इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे। इस फंदे को सीधा बुन लेने के बाद नेक्स्ट 2 फंदे ये उल्टे हैं, तो धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, इन दोनों फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। इन दोनों फंदों को उल्टा बुन लेने के बाद फिर ये वाला फंदा आ जाएगा, इस फंदे को हमें सीधा बुनना है, जिसके लिए धागा पीछे लेकर जाएंगे और इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे। फिर नेक्स्ट 2 फंदे उल्टे हैं, धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, इनको हम उल्टा बुनेंगे। फिर ये वाला फंदा आ जाएगा, इसके लिए धागा पीछे लेकर जाएंगे, इसको हम सीधा बुनेंगे। तो इसी तरह से 2 फंदों को उल्टा, फिर इस वाले फंदे को सीधा, ऐसे ही बुनते हुए हम लास्ट में यहां तक इसको कंप्लीट कर लेंगे। यहां पे हमारे ये 7 फंदे जो बटन स्ट्रिप के हैं इनको हमें उल्टा बुनना है। इससे पहले जितने भी फंदे हैं जो जैसा नजर आ रहा है वैसे ही हमें बुनते जाना है। दो फंदे उल्टे एक सीधा, दो उल्टे एक सीधा, जो जैसे नजर आ रहे थे ऐसे बुनते हुए हम यहां पे लास्ट में आ गए हैं। अब लास्ट में ये हमारे 7 फंदे बटन स्ट्रिप के हैं, इनको उल्टा बुनकर इस रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। इन फंदों को उल्टा बुनकर मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया है।
अब ये राइट साइड की रो बुनकर कंप्लीट करने के बाद हम रॉन्ग साइड की 12th रो पर आ जाएंगे। इस रो में जो स्टार्टिंग के हमारे बटन स्ट्रिप के स्टिचेस हैं, इनको तो हम उल्टा बुनेंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे और नेक्स्ट फंदों को उल्टा बुन लेंगे। यहां तक बटन स्ट्रिप के स्टिचेस को बुन लेने के बाद अब नेक्स्ट दो फंदे ये सीधे नजर आ रहे हैं, तो जो फंदे हमें यहां पे जैसे नजर आएंगे उनको हमें वैसे ही बुनना है। इन दो फंदों को सीधा, इस फंदे को उल्टा, फिर दो फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, दो फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा। तो जो फंदे जैसे नजर आ रहे हैं वैसे यहां तक हम बुन लेंगे और फिर लास्ट में जो है हमारे बटन स्ट्रिप के 7 फंदे हैं इनको हम उल्टा बुनेंगे। इस तरह से इस रो को बुनकर कंप्लीट करेंगे। इन फंदों को बुन लेने के बाद उल्टा धागा हम पीछे लेकर जाएंगे, फिर नेक्स्ट फंदे ये सीधे नजर आ रहे हैं, इन दोनों फंदों को हम सीधा बुनेंगे, फिर नेक्स्ट फंदा उल्टा है तो धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, इस फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, फिर नेक्स्ट फंदे सीधे हैं तो धागा पीछे लेकर जाएंगे, इन दोनों फंदों को हम सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे लाकर एक फंदा उल्टा बुनेंगे। तो इस तरह से जो फंदे जैसे दिख रहे हैं इस तरह से इन फंदों को यहां तक बुन लेंगे, फिर बटन स्ट्रिप के फंदों को उल्टा बुनेंगे। ऐसे हम इस रॉन्ग साइड की 12th रो को बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड की इस 12th रो को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हम राइट साइड 13th रो पर आ जाएंगे। अब यहां से हमें काउंट करते हुए टोटल 8 सलाइयां बुनकर कंप्लीट करनी है और ये जो 8 सलाइयां हम बुनेंगे इनमें जो राइट साइड की रोज है वो तो हम ऐसे ही बुनेंगे जैसे हमने राइट साइड की 11th रो बुनी थी, जिसमें फर्स्ट फंदा स्लिप करके बटन स्ट्रिप के स्टिचेस को यहां तक उल्टा बुना था। इन 7 फंदों को उल्टा बुन लेने के बाद फिर जो फंदे जैसे दिख रहे थे वैसे हमें बुनना है। जैसे 7 फंदों को बुनने के बाद ये दो फंदे उल्टे नजर आ रहे हैं, इनको उल्टा बुनना है, फिर नेक्स्ट फंदा सीधा है इसको सीधा, फिर नेक्स्ट दो फंदे उल्टे हैं इनको उल्टा, फिर नेक्स्ट फंदा सीधा है सीधा। तो ऐसे हम लास्ट के ये 7 फंदे बटन स्ट्रिप के, इनसे पहले जो फंदे जैसे दिख रहे हैं बुनकर फिर इन 7 फंदों को उल्टा बुनकर ऐसे तो हम राइट साइड की रोज बुनेंगे। और जो रॉन्ग साइड की रोज है इसमें फर्स्ट फंदा स्लिप करके यहां पे बटन स्ट्रिप के नेक्स्ट फंदों को उल्टा बुनेंगे। तो इन 7 फंदों को बुन लेने के बाद फिर नेक्स्ट फंदे देखिए, दो सीधे नजर आ रहे हैं इनको सीधा, फिर नेक्स्ट फंदा उल्टा है इसको उल्टा, फिर नेक्स्ट फंदे सीधे, फिर उल्टा, सीधे, उल्टा, जैसे जो फंदे नजर आ रहे हैं यहां पे लास्ट के 7 बटन स्ट्रिप के फंदों से पहले जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे बुनकर फिर इन फंदों को उल्टा बुनकर ऐसे हमें रॉन्ग साइड की रोज कंप्लीट करनी है। तो अब हम यहां से 8 सलाइयां बुनेंगे जिसमें राइट साइड और रॉन्ग साइड की रोज को जैसे मैंने आपको बताया है इस तरह से बुनकर कंप्लीट करेंगे। तो देखिए जब हम इस तरह से बुनेंगे तो ये जो पार्ट है हमारा यहां तक ऐसे बुनकर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से अब हम ये 8 सलाइयां बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। राइट साइड 13th रो से मैंने काउंट करते हुए टोटल ये 8 सलाइयां बुनकर कंप्लीट कर ली हैं। इन रोज को मैंने वैसे ही बुना है जैसे मैंने आपको राइट साइड और रॉन्ग साइड की रोज बताई थी। अब इनको बुनकर कंप्लीट करने के बाद हमारे यहां से स्टिचेस कास्ट ऑन करने के बाद से यहां तक इस पार्ट की ये 20 रोज 20 सलाइयां कंप्लीट हो चुकी हैं। जब मैंने आपको 13th रोज से बुनना बताया था उससे पहले तक हमारी 12 सलाइयां कंप्लीट हो चुकी थी। जब ये 12 रोज हमारी कंप्लीट हुई तो जब हम बटन स्ट्रिप में ये उल्टी उल्टी लाइंस देखेंगे तो वो हमारी 6 थी। तो 6 होने का मतलब ये है कि एक हमारी ये लाइन 2 सलाइयों से मिलकर बनी थी और 6 × 2 12 रोज हमारी यहां तक कंप्लीट हो चुकी थी। इसके बाद से जब 13th रो से हमने इसको बुनना स्टार्ट किया तो 4 इस तरह की उल्टी उल्टी लाइंस और आ गई। तो 8 सलाइयां जब हमने यहां कंप्लीट कर ली तब हमारी यहां पे ये 4 इस तरह की लाइंस आई हैं। तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप इन लाइंस को काउंट करके भी इन रोज को चेक कर सकते हैं। तो यहां तक हमारी ये 20 रोज कंप्लीट हो जाने के बाद, 20 सलाइयां कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम राइट साइड की 21st रो पर आ गए हैं। अब यहां से हमें काउंट करते हुए 6 सलाइयां 6 रोज बुनकर कंप्लीट करनी है और इन 6 सलाइयों को हम राइट साइड से भी और रॉन्ग साइड से भी उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। जब हम इन 6 सलाइयों को उल्टा उल्टा बुनेंगे तो आप ये देखिए इस तरह की हमारी ये 3 उल्टी लाइंस आ जाएंगी। अब हमें यहां से 21st रो से ऐसे ही दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनते हुए ये 6 सलाइयां कंप्लीट करनी है। अब हम
कोई भी रो बुने, फर्स्ट फंदा तो हमें स्लिप ही करना है। इस तरह से फर्स्ट फंदे को स्लिप करके उल्टा उल्टा बुनते हुए हमें दोनों साइड से ये रोज कंप्लीट करनी है। राइट साइड से भी रॉन्ग साइड से भी उल्टा उल्टा बुनते हुए ये टोटल 6 सलाइयां मैंने बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब जब आप राइट साइड में देखेंगे तो ये हमें 3 उल्टी उल्टी लाइंस नजर आएंगी। स्टिचेस कास्ट ऑन करने के बाद से यहां तक टोटल हमारी ये 26 सलाइयां 26 रोज बुनकर कंप्लीट हो चुकी है। अब हम राइट साइड 27th रो पर आ गए हैं। अब इस 27th रो में हम सेम एज इट इज ऐसे ही स्टिचेस को इंक्रीज करते हुए इस डिजाइन को डालते हुए आगे का पार्ट बुनेंगे। अब इसके लिए स्टार्टिंग के जो हमारे बटन स्ट्रिप के स्टिचेस हैं, फर्स्ट फंदा स्लिप करके इन फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करके नेक्स्ट जो हमारे बटन स्ट्रिप के स्टिचेस थे इनको मैंने उल्टा बुन लिया है। यहां तक ये 7 फंदे बुन लेने के बाद अब हम नेक्स्ट जो आगे फंदे बुनेंगे इसी तरह से हम 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर एक फंदा बढ़ाएंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, एक फंदा बढ़ाएंगे, ऐसे हम इस रो को बुनेंगे। तो अब हम नेक्स्ट 2 फंदों को उल्टा बुनेंगे, फिर एक फंदा बढ़ाएंगे जिसके लिए धागा ऐसे पीछे लेकर जाएंगे, सिलाई पर लपेटते हुए आगे ले आएंगे, फिर 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे जिसके लिए धागा पीछे लेकर जाएंगे, सिलाई पर लपेटते हुए आगे ले आएंगे, फिर 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर एक फंदा बढ़ाएंगे, धागा ऐसे पीछे लेकर जाएंगे, सिलाई पर लपेटते हुए आगे ले आएंगे, फिर 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर यहां पे एक फंदा बढ़ाएंगे। तो इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए हम एंड के जो 9 स्टिचेस हैं 9 फंदों से पहले तक इसी प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे। दो फंदों को उल्टा बुनकर एक फंदा बढ़ाते हुए इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए हम लास्ट में आ गए हैं। अब यहाँ पे हमने 2 फंदे ये उल्टे बुने हैं, फिर धागा ऐसे हम पीछे लेकर जाएंगे, सिलाई पर लपेटते हुए आगे ले आएंगे, एक फंदा हम यहाँ पे बढ़ा लेंगे। अब हमारे पास यहाँ लास्ट में ये 9 स्टिचेस हैं, 9 फंदे हैं, इनको हम उल्टा बुनकर इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। इन 9 फंदों को उल्टा बुनकर मैंने इस 27th रो को कंप्लीट कर लिया है। इस रो में हमने यहाँ पे सेंटर में 48 फंदे 48 स्टिचेस बढ़ा दिए हैं। स्टार्टिंग में हमारे यहाँ पे 80 स्टिचेस थे, फिर इस राउंड में हमने यहाँ पे 9th रो में जो फंदे बढ़ाए थे वो 32 थे, 112 फंदे टोटल हमारे पास यहाँ पे थे। अब हमने यहाँ 48 फंदे बढ़ा दिए हैं, तो अब इस 27th रो में हमारे पास टोटल स्टिचेस 160 हो गए हैं, 160 फंदे हो गए हैं। इसके बाद हम रॉन्ग साइड की 28th रो पर आ जाएंगे। अब इस रो में हम स्टार्टिंग के जो हमारे बटन स्ट्रिप के स्टिचेस हैं इनको तो उल्टा बुनेंगे, फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे और नेक्स्ट फंदों को उल्टा बुन लेंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करके नेक्स्ट फंदों को मैंने उल्टा बुन लिया है। यहां तक ये 7 फंदे हमारे बटन स्ट्रिप के कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद ये जो हमारे सेंटर में फंदे हैं यहां पे जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे ही बुनने हैं। जैसे ये सीधे फंदे नजर आ रहे हैं इन दोनों फंदों को हम सीधा बुनेंगे। ये जो हमने राइट साइड में जाली से फंदे बढ़ाए थे इन फंदों को हमें उल्टा बुनना है। अब और सारे फंदे हम सीधे बुनेंगे, सिर्फ ये जाली वाले फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। जब इस तरह से बुनते हुए हम लास्ट में आ जाएंगे तो लास्ट में हमारे ये 7 फंदे इस साइड बटन स्ट्रिप के होंगे, इनको हमें उल्टा बुनना है। इस तरह से स्ट्रॉन्ग साइड की रो को हम बुनकर कंप्लीट करेंगे। अब इन 7 फंदों को बुन लेने के बाद नेक्स्ट देखिए, ये जो हमारे फंदे हैं सीधे नजर आ रहे हैं तो धागा पीछे लेकर जाएंगे, इन दोनों फंदों को हम सीधा बुनेंगे। इन दोनों फंदों को सीधा बुन लेने के बाद ये जाली वाला फंदा आ जाएगा, धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, इस फंदे को हम उल्टा बुनेंगे। फिर से हमारे ये 2 सीधे फंदे आ गए हैं, धागा पीछे लेकर जाएंगे, इन दोनों फंदों को हम सीधा बुनेंगे। फिर ये जाली वाला फंदा आ गया है तो धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, इस फंदे को हम उल्टा बुनेंगे। फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे, 2 फंदे हम ऐसे सीधा बुनेंगे। फिर नेक्स्ट जाली वाले फंदे को धागा आगे लाकर उल्टा बुनेंगे।
अब इसी सीक्वेंस को हम फॉलो करते जाएंगे। अब लास्ट के जो ये हमारे 7 फंदे बटन स्ट्रिप के हैं, इनको हमें उल्टा बुनना है। इस तरह से इस रो को हम बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड की इस 28th रो को मैंने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। हमारे पास स्टिचेस ज़्यादा हो गए थे, इसलिए मैंने इनको सर्कुलर नीडल में शिफ्ट कर दिया है। अब इसके बाद हम राइट साइड 29th रो पर आ जाएंगे। अब स्टार्टिंग के जो हमारे बटन स्ट्रिप के स्टिचेस हैं, फर्स्ट फंदा स्लिप करके इनको हम उल्टा बुन लेंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करके नेक्स्ट फंदों को मैंने उल्टा बुन लिया है। अब इसके बाद जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे हमें इनको बुनते जाना है। अब नेक्स्ट दो फंदे ये उल्टे नजर आ रहे हैं, तो इनको हम उल्टा बुनेंगे। फिर इस फंदे को हमें सीधा बुनना है, जिसके लिए धागा पीछे लेकर जाएंगे। इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे। फिर नेक्स्ट दो फंदे ये उल्टे हैं, तो धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे। इन दोनों फंदों को हम उल्टा बुन देंगे। फिर नेक्स्ट फंदे को हमें सीधा बुनना है, धागा पीछे लेकर जाएंगे। इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे। फिर धागा आगे लेकर आएंगे, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे लेकर जाएंगे, एक फंदा सीधा। तो जो फंदे हमें जैसे दिख रहे हैं इसी तरह से बुनते हुए हम लास्ट में जो ये हमारे बटन स्ट्रिप के 7 फंदे हैं, इनसे पहले जो फंदे जैसे दिख रहे हैं ऐसे बुनते हुए यहां तक कंप्लीट कर लेंगे। और फिर लास्ट के ये जो बटन स्ट्रिप के स्टिचेस हैं 7 फंदे, इनको हम उल्टा बुनकर इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। तो ऐसे अब इस रो को हम बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। राइट साइड की इस 29th रो को मैंने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम रॉन्ग साइड की 30th रो पर आ जाएंगे। स्टार्टिंग के बटन स्ट्रिप के स्टिचेस को हम उल्टा बुन लेंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करके नेक्स्ट फंदों को उल्टा बुनेंगे। बटन स्ट्रिप के इन 7 फंदों को यहां तक बुन लेने के बाद फिर जो फंदे हमें जैसे नजर आ रहे हैं वैसे हमें इनको बुनना है। जैसे नेक्स्ट ये दो फंदे सीधे नजर आ रहे हैं, तो धागा पीछे लेकर जाएंगे, इन दोनों फंदों को हम सीधा बुनेंगे। फिर धागा आगे लाकर इस फंदे को उल्टा बुनेंगे। फिर धागा पीछे ले जाएंगे, इन दोनों फंदों को सीधा बुनेंगे। फिर धागा आगे लाकर एक फंदा उल्टा बुनेंगे। तो इसी सिक्वेंस से बुनते हुए हम लास्ट में ये बटन स्ट्रिप के 7 फंदों से पहले जितने भी फंदे हैं जो जैसे दिख रहे हैं वैसे बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। फिर इन 7 फंदों को उल्टा बुनकर इस तरह से हमें रॉन्ग साइड की रो बुनकर कंप्लीट करनी है। तो अब 7 फंदों को यहां तक बुनकर कंप्लीट करने के बाद जो हमारे बटन स्ट्रिप के थे धागा पीछे लेकर जाएंगे। नेक्स्ट दो फंदे सीधे हैं, इनको हम सीधा बुनेंगे। फिर धागा आगे लाकर एक फंदा उल्टा बुनेंगे। फिर धागा पीछे ले जाएंगे, दो फंदे सीधे, धागा आगे लेकर आएंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे ले जाएंगे, दो फंदे सीधे, धागा आगे लेकर आएंगे, एक फंदा उल्टा। तो अब जो फंदे जैसे दिख रहे हैं इस तरह से बुनते हुए यहां तक इनको हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर 7 फंदों को ये जो बटन स्ट्रिप के हैं उल्टा बुनकर ऐसे हम इस रॉन्ग साइड की रो को बुन लेते हैं। रॉन्ग साइड की इस 30th रो को मैंने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम राइट साइड 31st रो पर आ गए हैं। अब हमें यहां से जैसे हमने राइट साइड की ये 29th रो बुनी थी इसी तरह से आगे राइट साइड की रोज बुननी है। और जिस तरह से हमने ये रॉन्ग साइड की 30th रो बुनी थी ऐसे हमें रॉन्ग साइड की रोज बुननी है। अब यहां से हम काउंट करते हुए 8 सलाइयां बुनेंगे, जिसमें जो राइट साइड की रोज है अभी जैसे हमने 29th रो बुनी थी, स्टार्टिंग के जो ये बटन स्ट्रिप के स्टिचेस हैं फर्स्ट फंदा स्लिप करके इन फंदों को यहाँ तक हम उल्टा बुन लेंगे। फिर जो फंदे जैसे दिख रहे हैं जैसे स्टार्टिंग के ये दो फंदे उल्टे हैं इनको उल्टा बुनेंगे। फिर एक फंदा सीधा, दो फंदे उल्टे एक सीधा, दो फंदे उल्टे एक सीधा, इस तरह से बुनते हुए हम यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लेंगे। फिर लास्ट के ये बटन स्ट्रिप के स्टिचेस को उल्टा बुनकर ऐसे हमें राइट साइड की रोज बुननी है। और जो रॉन्ग साइड की रोज आएंगी बटन स्ट्रिप के इन स्टिचेस में फर्स्ट फंदा स्लिप करके यहाँ तक इनको उल्टा बुन लेंगे। फिर ये जो फंदे जैसे दिख रहे हैं ऐसे ही हमें बुनना है, दो फंदे सीधे एक फंदा उल्टा, दो सीधे एक उल्टा, इनको हम बुनते हुए यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। फिर लास्ट के ये जो बटन स्ट्रिप के स्टिचेस हैं इनको हमें उल्टा बुनना है।
तो ऐसे हमें रॉन्ग साइड की रोज बुननी है। अब हम यहाँ से राइट साइड से काउंट करते हुए 8 सलाइयाँ इस तरह से बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ से राइट साइड की 31st रो से काउंट करते हुए टोटली 8 सलाइयाँ मैंने बुनकर कंप्लीट कर ली हैं। 8 रोज बुन जाने के बाद अब हमारा यहाँ तक 38 रोज में ये पार्ट बुन गया है। अब हम राइट साइड 39th रो से यहाँ पे सेम एज इट इज़, जैसे हमने यहाँ से राइट साइड से भी रॉन्ग साइड से भी उल्टा उल्टा बुनते हुए ये 6 सलाइयाँ बुनी थी, अब हम यहाँ से इसी तरह से दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनते हुए 6 सलाइयाँ बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट फंदा स्किप करेंगे और इस तरह से उल्टा उल्टा बुनते हुए ये 6 रोज अब हम बुन लेते हैं। यहाँ से राइट साइड से काउंट करते हुए ये 6 रोज 6 सलाइयाँ मैंने दोनों साइड से राइट साइड से भी रॉन्ग साइड से भी उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब आप जब यहाँ से राइट साइड में देखेंगे तो ऐसी आपको ये 3 उल्टी उल्टी लाइंस नजर आएंगी। अब यहाँ तक हमारी ये 44 रोज 44 सलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब हम राइट साइड 45th रो पर आ गए हैं। इस रो में हम जैसे हमने यहाँ पे और यहाँ पे स्टिचेस इंक्रीज करते हुए इस रो को बुना था, अब ऐसे ही इस डिज़ाइन को डालते हुए इस रो को हम बुनेंगे। अब ये हमारी 45th रो है। स्टार्टिंग के जो हमारे बटन स्ट्रिप के स्टिचेस हैं, फर्स्ट फंदा स्लिप करके नेक्स्ट फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करके बटन स्ट्रिप के नेक्स्ट फंदों को मैंने उल्टा बुन लिया है। यहाँ तक हमारे ये 7 फंदे कंप्लीट करने के बाद अब हम जैसे हम यहाँ पे और यहाँ पे 2 फंदे उल्टे बुनने के बाद एक फंदा बढ़ाते हुए ऐसे बुनते गए थे, इसी तरह से आगे इस रो को बुनेंगे। तो अब स्टार्टिंग में हम 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। 2 फंदों को उल्टा बुन लेने के बाद अब हमें यहाँ पे एक फंदा बढ़ाना है, जिसके लिए धागा ऐसे पीछे लेकर जाएंगे, सिलाई पर लपेटते हुए आगे ले आएंगे। फिर नेक्स्ट 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, फिर धागा इस तरह से पीछे ले जाएंगे, सिलाई पर लपेटते हुए आगे ले आएंगे। फिर 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर धागा ऐसे पीछे ले जाएंगे, सिलाई पर लपेटते हुए आगे ले आएंगे। फिर 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। तो अब इसी प्रोसेस को हम एंड के 9 स्टिचेस 9 फंदों से पहले तक ऐसे ही रिपीट करते हुए बुन लेंगे। इस रो को बुनते हुए हम यहाँ पे लास्ट में आ गए हैं। अब लास्ट में हमारे पास यहाँ पे ये 9 फंदे बचे हैं। 2 फंदे उल्टे बुन लेने के बाद अब हम यहाँ पे एक फंदा बढ़ाएंगे, जैसे बढ़ाते आ रहे थे अभी तक, धागा ऐसे पीछे ले जाएंगे, सिलाई पर लपेटते हुए आगे ले आएंगे। अब हम इन 9 फंदों को उल्टा बुनकर इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। इन 9 फंदों को मैंने उल्टा बुन लिया है। अब हमारी ये 45th रो कंप्लीट हो गई है। इस रो में हमने यहाँ पे सेंटर में 72 स्टिचेस 72 फंदे बढ़ा दिए हैं। हमारे पास यहाँ पे 80 फंदे थे स्टार्टिंग में, जब हमने फर्स्ट राउंड में यहाँ पे फंदे बढ़ाए वो 32 थे, तो 112 फंदे टोटल हमारे यहाँ पे हो गए थे। फिर हमने जब सेकंड राउंड में फंदे बढ़ाए वो 48 थे, 48 फंदे थे, तो यहाँ हमारे 160 फंदे हो गए थे। तो अब हमने जब इस थर्ड राउंड में यहाँ फंदे 72 बढ़ा दिए हैं, तो अब टोटल फंदे हमारे पास 232 हो गए हैं, 232 स्टिचेस हो गए हैं। अब इसके बाद हम रॉन्ग साइड की 46th रो पर आ जाएंगे। अब इस रो में हमें दोनों साइड, ये जो हमारे बटन स्ट्रिप के स्टिचेस हैं, 7 फंदे यहाँ पे हैं और 7 फंदे यहाँ पे, इनको तो उल्टा बुनना है। उसके अलावा जो भी हमने राइट साइड में ये जाली के थ्रू फंदे बढ़ाए हैं, इनको भी हम इस रॉन्ग साइड की रो में उल्टा बुनेंगे। और जो भी बीच में ये फंदे हैं जो सीधे नजर आ रहे हैं, इनको हमें सीधा बुनना है। तो अब हम इस रो को बुनना स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग के जो हमारे ये बटन स्ट्रिप के स्टिचेस हैं, फर्स्ट फंदा स्लिप करके इन फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। बटन स्ट्रिप के इन 7 फंदों को यहां तक बुनकर कंप्लीट करने के बाद अब नेक्स्ट देखिए, 2 फंदे ये सीधे नजर आ रहे हैं, तो धागा पीछे लेकर जाएंगे, इन दोनों फंदों को हम सीधा बुनेंगे। फिर ये जाली वाला फंदा आ जाएगा, धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, इस फंदे को हम उल्टा बुनेंगे। फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे, फिर 2 फंदे सीधे आ गए हैं, तो इनको हम सीधा बुनेंगे। फिर धागा आगे लेकर आएंगे, ये जाली वाला फंदा, इसको हम उल्टा बुनेंगे। फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे, फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे।
फिर धागा आगे लेकर आएंगे, इस जाली वाले फंदे को उल्टा बुनेंगे। तो इस तरह से हम इन फंदों को बुनते जाएंगे। लास्ट में हमारे ये 7 फंदे बटन स्ट्रिप के हैं, इनसे पहले हम यहां तक इन फंदों को बुन लेंगे, फिर इन 7 फंदों को उल्टा बुनकर इस रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड की इस 46 रो को मैंने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम राइट साइड 47 रो पर आ गए हैं। अब हमें यहां से काउंट करते हुए 10 सलाइयां बुननी हैं। अब देखिए, जो भी ये 10 सलाइयां हम यहां से बुनेंगे, जो राइट साइड की रोज होंगी, उनमें हम जो ये बटन स्ट्रिप के स्टिचेस हैं, फर्स्ट फंदा स्लिप करके नेक्स्ट फंदों को उल्टा बुनेंगे। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे, जो फंदे जैसे नजर आ रहे हैं वैसे हमें बुनना है। फिर ये नेक्स्ट फंदे 2 उल्टे हैं तो इनको हम उल्टा बुनेंगे। फिर धागा पीछे ले जाएंगे, इस फंदे को सीधा बुनेंगे। फिर धागा आगे लाएंगे, 2 फंदे ये उल्टे बुनेंगे। फिर धागा पीछे ले जाएंगे, इस फंदे को सीधा बुनेंगे। तो जो फंदे जैसे दिख रहे हैं, इस तरह से बुनते हुए हम लास्ट में यहाँ पे 7 फंदे जो हमारे बटन स्ट्रिप के हैं, इससे पहले तक जो फंदे जैसे दिख रहे हैं बुन लेंगे, और फिर इन फंदों को उल्टा बुनकर इस तरह से राइट साइड की रोज कंप्लीट करेंगे। और जब हम रॉन्ग साइड पर आएंगे तो रॉन्ग साइड में जो हमारे ये बटन स्ट्रिप के स्टिचेस हैं, फर्स्ट फंदा स्लिप करके नेक्स्ट फंदों को उल्टा बुनकर, फिर यहां भी जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे ही हमें बुनते जाना है। जैसे यहां पे बटन स्ट्रिप के स्टिचेस को बुन लेने के बाद 2 फंदे ये सीधे नजर आ रहे हैं तो इनको हम धागा पीछे ले जाकर सीधा बुनेंगे। फिर धागा आगे लाकर इस फंदे को उल्टा बुनेंगे। फिर धागा पीछे ले जाएंगे, इन दोनों फंदों को सीधा बुनेंगे। तो जो फंदे जैसे दिख रहे हैं, इस तरह से हम इनको बुनते हुए यहां तक कंप्लीट कर लेंगे। फिर लास्ट में हमारे ये जो बटन स्ट्रिप के स्टिचेस हैं 7, इनको उल्टा बुनकर ऐसे हमें रॉन्ग साइड की रो बुननी है। तो अब हम यहां से काउंट करते हुए 10 रोज, 10 सलाइयां, जैसे मैंने आपको राइट साइड और रॉन्ग साइड की रोज बताई हैं, ऐसे बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। यहां तक ये 10 रोज मैंने बुनकर कंप्लीट कर ली है। स्टिचेस कास्ट ऑन करने के बाद से यहां तक ये पार्ट हमारा 56 रोज में इतना बुनकर कंप्लीट हो गया है। 56 सलाइयां हमारी यहां तक बुनकर कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम राइट साइड 57 रो पर आ गए हैं। अब हमें यहां से इसी तरह का उल्टी उल्टी लाइंस का पैटर्न देना है। इसके लिए अब हम राइट साइड की इस 57 रो से काउंट करते हुए 4 सलाइयां बुनेंगे, राइट साइड से भी रॉन्ग साइड से भी। इन रोज को हम उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, इस पूरी रो को भी हम उल्टा बुन लेंगे। जब रॉन्ग साइड पर आएंगे फिर फर्स्ट फंदा स्लिप करके पूरी रो को उल्टा बुन लेंगे। तो इस तरह से अब यहां से काउंट करते हुए टोटल ये 4 सलाइयां हम बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। राइट साइड से भी रॉन्ग साइड से भी उल्टा उल्टा बुनते हुए ये 4 सलाइयां मैंने बुनकर कंप्लीट कर ली हैं। यहां तक अब टोटल हमारी ये 60 रोज, 60 सलाइयां बुनकर कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम राइट साइड 61 रो पर आ गए हैं। ये हमारी 61वीं सलाई है। इसमें हम यहाँ पे पूरी रो को उल्टा ही बुनेंगे और इसमें हम स्टिचेस भी इंक्रीज करेंगे। तो पहले ये जो हमारे बटन स्ट्रिप के स्टिचेस हैं, इनको हम उल्टा बुन लेंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, इस फंदे को स्लिप करके नेक्स्ट फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करके नेक्स्ट ये जो हमारे बटन स्ट्रिप के स्टिचेस थे, इनको मैंने उल्टा बुन लिया है। अब ये 7 बटन स्ट्रिप के स्टिचेस कंप्लीट करने के बाद, अब देखिए आगे हम पहले 8 फंदे उल्टे बुनेंगे। 8 फंदे उल्टा बुन लेने के बाद फिर एक फंदा बढ़ाएंगे, इसी तरह से फिर 8 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर एक फंदा बढ़ाएंगे। तो ऐसे हम टोटल इस रो में 26 फंदे, 26 स्टिचेस बढ़ा लेंगे। तो अब यहां तक बटन स्ट्रिप के स्टिचेस को बुन लेने के बाद, अब हम पहले 8 फंदे उल्टे बुनेंगे। आठ फंदों को उल्टा बुन लेने के बाद अब हम यहाँ पे एक फंदा बढ़ाएंगे। फंदा बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे धागे को इस तरह से लेंगे, ऐसे घुमाएंगे और ऐसे सलाई पर डाल देंगे। फिर इस धागे को ऐसे पकड़कर खींच देंगे।
तो इससे हमारा यहाँ पे होल नहीं बनेगा। जैसे हम यहाँ पे जब फंदा बढ़ा रहे थे जाली बन रही थी, तो ऐसे हमारी यहाँ पे जाली नहीं बनेगी। अब इस तरह से फंदा बढ़ाने के बाद फिर हम 8 फंदे उल्टा बुन लेंगे। आठ फंदों को उल्टा बुन लेने के बाद फिर हमें यहाँ पे एक फंदा बढ़ाना है। देखिए इस तरह से हम धागे को घुमाएंगे उंगली पर, फिर इसको ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे सिलाई पर डाल देंगे और ऐसे पकड़कर खींच देंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे फंदा बढ़ाएंगे। अब इसके बाद फिर से हम 8 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर एक फंदा बढ़ाएंगे, फिर 8 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर एक फंदा बढ़ाएंगे। तो इसी तरह से हम यहाँ पे एंड तक 8-8 फंदों के बाद एक एक फंदा बढ़ाते जाएंगे और उल्टा बुनते हुए यहां तक इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। टोटल हमें 26 स्टिचेस, 26 फंदे इस रो में ऐसे ही बढ़ाने हैं। इस रो में फंदों को बढ़ाते हुए और सारे फंदों को उल्टा बुनते हुए मैंने यहां तक इसको कंप्लीट कर लिया है। इस रो में हमने 26 फंदे बढ़ा दिए हैं, तो अब टोटल फंदे हमारे पास 258 है। टोटल स्टिचेस 258 हो गए हैं। अब इसके बाद हम रॉन्ग साइड की रो पर आ जाएंगे। इस रॉन्ग साइड की रो को हमें उल्टा बुनकर कंप्लीट करना है। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे और पूरी रो को हम उल्टा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड की इस रो को मैंने यहां तक उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा ये यॉक पार्ट बुनकर कंप्लीट हो चुका है। यहां तक इस यॉक पार्ट को बुनने में टोटल हमने 62 रोज कंप्लीट की हैं। 62 सिलाइयां हमने यहां तक बुनी हैं। और ये जो लेंथ में हमारा बुनकर तैयार हुआ है, इसको मेजर कर लेते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 6.25 इंच इतना हमारा ये लेंथ में बुनकर तैयार हुआ है। अब इसके बाद जो हमारे ये 258 स्टिचेस हैं, 258 फंदे हैं, इनको हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। दो तो हमारे फ्रंट के पार्ट्स होंगे, दो स्लीव के पार्ट्स होंगे और एक बैक का पार्ट होगा। दोनों फ्रंट के पार्ट्स में हम 39 39 39 39 फंदे रखेंगे। दोनों स्लीव्स में हम 55 55 55 55 फंदे रखेंगे। और जो हमारा बैक का पार्ट है, इसमें हम 70 स्टिचेस, 70 फंदे रखेंगे। इस तरह से हम इनको 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट के इन 39 स्टिचेस को, 39 फंदों को बुनेंगे। आगे जो हम यहाँ पे डिज़ाइन डालेंगे, इस तरह का हमें ये स्ट्रॉबेरी वाला डिज़ाइन डालना है। इस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ से इन स्टिचेस को एडजस्ट करते हुए चलना है। जैसे यहाँ पे हम डिज़ाइन आगे बनाएंगे, उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ से इन 39 स्टिचेस को बुनेंगे। तो अब हम यहाँ से जब इसको बुनना स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्टिंग के जो हमारे ये बटन स्ट्रिप के स्टिचेस हैं, फर्स्ट फंदा स्लिप करके पहले इनको हम उल्टा बुनेंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करके नेक्स्ट फंदों को मैंने उल्टा बुन लिया है। ये 7 हमारे जो बटन स्ट्रिप के स्टिचेस थे, इनको कंप्लीट करने के बाद अब आगे जो हम यहाँ पे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग इनको बुनेंगे। अब देखिए नेक्स्ट 2 फंदे ये हम उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे लेकर आएंगे, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, धागा आगे लेकर आएंगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे लेकर जाएंगे, एक फंदा सीधा। अब इसी तरह से 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, ऐसे बुनते हुए यहां तक 39 स्टिचेस हम बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। यहां तक 39 स्टिचेस, 39 फंदे फ्रंट पार्ट के मैंने बुनकर कंप्लीट कर लिए हैं। यहां बटन स्ट्रिप के 7 फंदों को उल्टा बुनने के बाद 2 फंदे उल्टे एक सीधा, 2 उल्टे एक सीधा, इस सीक्वेंस से जब हम बुनते हुए आए, तो लास्ट में यहां पे हमारे 2 फंदे उल्टे आए हैं। अब यहां तक फ्रंट पार्ट के ये 39 स्टिचेस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। यहां पर हम मार्कर लगा देंगे। अब हम नेक्स्ट 55 स्टिचेस, जो कि हमारी फर्स्ट स्लीव के हैं, उनको बुनेंगे। अब इनको बुनने के लिए धागा हम पीछे लेकर जाएंगे। अब यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, डिजाइन के अकॉर्डिंग आगे हम इसको बुनेंगे।
फर्स्ट फंदा इसको हम सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे लेकर जाएंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे लेकर आएंगे, दो फंदे उल्टे। अब इसी सीक्वेंस से एक फंदा सीधा, दो फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, दो फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, दो फंदे उल्टे, इस तरह से बुनते हुए हम यहां तक जो हमारी स्लीव के 55 स्टिचेस हैं इनको बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। यहां से हमने ये स्लीव के 55 स्टिचेस यहां तक बुन लिए हैं। जब हमने यहां से बुनना स्टार्ट किया था, एक फंदा सीधा, दो फंदे उल्टे, एक सीधा, दो उल्टे, इस सीक्वेंस से जब हम यहां पे इसको बुनते हुए आए तो लास्ट में यहां पे एक फंदा ये सीधा, दो फंदे उल्टे बुन लेने के बाद लास्ट में ये फंदा सीधा आया है। तो यहां तक हमारे ये 55 स्टिचेस इस स्लीव के कंप्लीट हो गए हैं। जो आगे हम स्ट्रॉबेरी डिजाइन बनाएंगे उस डिजाइन के अकॉर्डिंग ये 55 स्टिचेस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इस डिजाइन को बुनने के लिए, जो हमारा ये स्ट्रॉबेरी डिजाइन है, इसके लिए हम 6-6 के मल्टीपल में स्टिचेस लेते हैं, उसमें 5 फंदे ऐड करके 2 फंदे हम एजेस के और ऐड करते हैं। तो 6-6 के मल्टीपल में 48 प्लस 5 53 और 2 ये एजेस के, इस तरह से 55 फंदे हमने यहाँ पे स्लीव में इस डिजाइन को बुनने के लिए सेट कर दिए हैं। अब इसके बाद आगे का जो पार्ट है वो हम बाद में बुनेंगे, यहीं से इसको टर्न करके हम रॉन्ग साइड में आ जाएंगे। अब रॉन्ग साइड में यहाँ पे फर्स्ट फंदा तो हम स्लिप करेंगे। इस फंदे को स्लिप करने के बाद जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे हमें बुनना है। अब नेक्स्ट दो फंदे ये सीधे नजर आ रहे हैं तो धागा ऐसे पीछे लेकर जाएंगे, इन दोनों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। फिर नेक्स्ट फंदा ये उल्टा है, धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, इस फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे, नेक्स्ट दो फंदे ये सीधे हैं इनको हम सीधा बुन लेंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, नेक्स्ट ये फंदा उल्टा है तो इसको हम उल्टा बुनेंगे। तो यहां पे दो फंदे ये सीधे नजर आ रहे हैं इनको सीधा, फिर नेक्स्ट फंदा ये उल्टा नजर आ रहा है इसको उल्टा। तो जो फंदे जैसे दिख रहे हैं इस तरह से बुनते हुए यहां तक, इस मार्कर से पहले यहां तक सारे फंदों को हम बुनकर यहां तक कंप्लीट कर लेंगे। यहां से लेकर यहां तक इस स्लीव के ये जो हमारे 55 स्टिचेस हैं, 55 फंदे हैं, जो फंदे जैसे दिख रहे थे इस तरह से बुनते हुए यहां तक मैंने इनको कंप्लीट कर लिया है। अब इन फंदों को हमें नहीं बुनना, यहीं से इसको टर्न करके हम ऐसे राइट साइड में आ जाएंगे। अब पहले हम इन 55 स्टिचेस पर, 55 फंदों पर स्ट्रॉबेरी डिजाइन को डालते हुए इस स्लीव को तैयार करेंगे। तो इसके लिए अब चाहे आप राइट साइड की रो बुने चाहे रॉन्ग साइड की रो बुने, यहां पे जब हम इन 55 फंदों पर स्लीव को बुनेंगे, फर्स्ट फंदा हमें हर रो में स्लिप करना है। अब यहां से इसको हम बुनना स्टार्ट करेंगे, ये फर्स्ट फंदा इसको हम स्लिप कर लेंगे। इस फंदे को स्लिप करने के बाद अब नेक्स्ट 6 फंदों पर जिस तरह से हम डिजाइन बनाएंगे ऐसे ही 6-6 फंदों पर पूरी रो में हमें इस डिजाइन को रिपीट करते जाना है। फर्स्ट फंदे को स्लिप करने के बाद धागा आगे लेकर आएंगे, अब नेक्स्ट दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे, इन दोनों फंदों को उल्टा बुन लेने के बाद अब ये जो सीधा फंदा है इस फंदे को हमें सीधा बुनते हुए इस फंदे के 5 बनाने हैं, जिसके लिए धागा हम ऐसे पीछे लेकर जाएंगे, इस फंदे को ऐसे सीधा बुनेंगे, अभी इस फंदे को गिराएंगे नहीं, सीधा बुनने के बाद धागा पीछे से ऐसे आगे लेकर आएंगे, सलाई पर लपेटते हुए फिर पीछे ले जाएंगे, फिर से इस फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर से धागा ऐसे आगे लेकर आएंगे, सलाई पर लपेटते हुए ऐसे पीछे ले जाएंगे, और एक बार और इस फंदे को सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से हमने सीधा बुनते हुए इस एक फंदे के 5 बना दिए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट दो फंदे ये उल्टे हैं तो धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, इन दोनों फंदों को हम उल्टा बुनेंगे, फिर ये फंदा सीधा है तो धागा पीछे लेकर जाएंगे, इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे। तो अब आप देखिए इस फर्स्ट फंदे को स्लिप करने के बाद जैसे हमने यहां पे इन 6 फंदों पर डिजाइन को बनाया है इसी को हम पूरी रो में 6-6 फंदों पर रिपीट करेंगे। अब रिपीट देखिए कैसे करना है। अब नेक्स्ट 6 फंदों में से स्टार्टिंग के ये जो दो फंदे हैं ये उल्टे हैं तो धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, इन दो फंदों को हम उल्टा बुनेंगे,
इन दो फंदों को उल्टा बुन लेने के बाद फिर ये नेक्स्ट फंदा सीधा है, धागा पीछे लेकर जाएंगे। इस फंदे को हमें सीधा बुनते हुए इसके पांच बनाने हैं। एक बार इस तरह से बुनेंगे, धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, लपेटते हुए पीछे ले जाएंगे, फिर इसको हम सीधा बुनेंगे, फिर धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, सिलाई पर लपेटते हुए पीछे ले जाएंगे, फिर इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे। ऐसे हमने इस फंदे के पांच बना दिए हैं, फिर धागा आगे लेकर आएंगे। नेक्स्ट दो फंदे ये उल्टे हैं, इनको हम उल्टा बुनेंगे और फिर ये एक फंदा सीधा है, धागा पीछे ले जाएंगे, इसको हम सीधा बुनेंगे। तो फिर से हमने इन सिक्स स्टिचेस पर, छह फंदों पर डिजाइन को ऐसे ही रिपीट कर दिया है जैसे हमने यहां पे किया था। तो अब इसी तरह से छह छह फंदों पर इस डिजाइन को रिपीट करते हुए यहां तक लास्ट तक हम इसको बुन लेंगे। तो ऐसे इसको अब हम बुन लेते हैं। यहां से इन सिक्स सिक्स स्टिचेस पर डिजाइन को रिपीट करते हुए हम बुनते हुए लास्ट में आ गए हैं। अब लास्ट में हमारे पास ये सिक्स स्टिचेस बचे हैं, छह फंदे बचे हैं, इन पे भी हम सेम एज इट इज ऐसे डिजाइन को बुनेंगे जैसे अभी तक हम बुनते हुए आए हैं। धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, स्टार्टिंग में ये दो फंदे हम उल्टा बुनेंगे, फिर इस सीधे फंदे को हमें सीधा बुनते हुए इसके पांच बनाने हैं। धागा पीछे लेकर जाएंगे और इस फंदे के हम पांच बनाएंगे। फिर धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, नेक्स्ट ये दो फंदे इनको हम उल्टा बुनेंगे, फिर लास्ट वाले फंदे को धागा पीछे ले जाकर सीधा बुनेंगे। इस तरह से हमने ये डिजाइन की फर्स्ट रो कंप्लीट कर ली है। अब हम सेकेंड रो पर आ जाएंगे जो हमारी रॉन्ग साइड की रो है। फर्स्ट फंदा हम स्लिप कर लेंगे, धागा ऐसे पीछे लेकर जाएंगे। इस फंदे को स्लिप करने के बाद अब नेक्स्ट नौ फंदे हम सीधा बुनेंगे। नौ फंदों को सीधा बुन लेने के बाद नेक्स्ट ये फंदा हमें उल्टा नजर आ रहा है, तो धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, इस फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे, फिर नौ फंदे ये इनको हमें सीधा बुनना है। नौ फंदों को सीधा बुन लेने के बाद फिर ये फंदा हमें उल्टा नजर आ रहा है, तो धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, इस फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे। अब इसी तरह से हम नौ फंदे ये सीधे, एक फंदा उल्टा, नौ फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, नौ फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, इस सिक्वेंस से बुनते हुए लास्ट में भी नौ फंदे ये सीधे और लास्ट वाले फंदे को उल्टा, इस तरह से यहां तक इस रो को बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करके नौ फंदे सीधे एक उल्टा, नौ फंदे सीधे एक उल्टा, इस तरह से बुनते हुए यहां तक मैंने इस सेकेंड रो को कंप्लीट कर लिया है। अब सेकेंड रो को बुनकर कंप्लीट करने के बाद हम टर्न करके राइट साइड थर्ड रो पर आ जाएंगे। अब थर्ड रो में हमें फर्स्ट फंदा स्लिप करना है। इस फंदे को स्लिप करने के बाद नेक्स्ट नौ फंदे हम उल्टे बुनेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, तो धागा आगे लेकर आएंगे, नौ फंदे ये उल्टा बुनेंगे, इन नौ फंदों को उल्टा बुन लेने के बाद धागा पीछे लेकर जाएंगे, इस एक फंदे को हम सीधा बुनेंगे। फिर से हमें नौ फंदे उल्टे बुनने हैं, एक फंदा सीधा, फिर नौ फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, इस तरह से यहां पे इस सीक्वेंस से बुनते हुए हम एंड तक, लास्ट तक ये नौ फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा ऐसे ही बुनते हुए इस रो को कंप्लीट करेंगे। राइट साइड की इस थर्ड रो को मैंने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम टर्न करके रॉन्ग साइड की फोर्थ रो पर आ जाएंगे। अब फोर्थ रो को हमें सेम एज इट इज वैसे ही बुनना है जैसे हमने सेकंड रो बुनी थी। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे, नेक्स्ट नौ फंदे हम ये सीधे बुनेंगे, एक फंदा उल्टा, नौ फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, इस तरह से इसी सीक्वेंस से बुनते हुए हम एंड तक इसको कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में ये हमारे नौ फंदे
सीधे और एक फंदा उल्टा आएगा। तो इस तरह से इस रो को बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। रॉन्ग साइड की इस फोर्थ रो को मैंने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। इस रो को सेम एज इट इज ऐसे ही बुना है जैसे हमने सेकंड रो को बुना था। फर्स्ट फंदा स्लिप करके 9 फंदे सीधे एक उल्टा, 9 फंदे सीधे एक उल्टा, ऐसे बुनते हुए यहां तक इसको कंप्लीट करने के बाद अब हम टर्न करके राइट साइड की फिफ्थ रो पर आ गए हैं। अब ये राइट साइड की जो हमारी फिफ्थ रो है इसको सेम एज इट इज हमें वैसे ही बुनना है जैसे हमने थर्ड रो को बुना था। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, धागा आगे लेकर आएंगे। अब 9 फंदे ये हम उल्टे बुनेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। 9 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, इस सीक्वेंस से बुनते हुए इस रो को हम एंड तक यहां तक कंप्लीट कर लेंगे। राइट साइड की फिफ्थ रो को मैंने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम रॉन्ग साइड की सिक्स्थ रो पर आ जाएंगे। अब ये जो हमारी रो है सेम एज इट इज हमें वैसे ही बुननी है जैसे हमने सेकंड और फोर्थ रो को बुना था। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे और नेक्स्ट 9 फंदे सीधे बुनेंगे, एक फंदा उल्टा, 9 फंदे सीधे एक फंदा उल्टा, इस तरह से बुनते हुए यहां तक 9 फंदे सीधे बुनकर लास्ट वाले फंदे को उल्टा बुनकर इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड की सिक्स्थ रो को मैंने यहां तक बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम टर्न करके राइट साइड सेवेंथ रो पर आ जाएंगे। अब सेवेंथ रो में हम फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे। इस फंदे को स्लिप करने के बाद अब नेक्स्ट 10 फंदों पर जिस तरह से हम डिजाइन बनाएंगे ऐसे ही 10-10 फंदों पर हम इस डिजाइन को रिपीट करते जाएंगे। तो अब देखिए फर्स्ट फंदे को स्लिप करने के बाद नेक्स्ट ये 2 फंदे इनको हम उल्टा बुनेंगे। 2 फंदों को उल्टा बुन लेने के बाद धागा ऐसे पीछे लेकर जाएंगे। अब हम नेक्स्ट 5 फंदे ऐसे इकट्ठा एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए इन 5 फंदों का हमें एक बनाना है। इन 5 फंदों को ऐसे लेंगे बैक लूप से इस तरह से और ऐसे सीधा बुनते हुए इन 5 फंदों का हम एक बना देंगे। 5 फंदों का एक बनाने के बाद अब धागा ऐसे आगे लेकर आएंगे। नेक्स्ट 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। इन 2 फंदों को उल्टा बुन लेने के बाद धागा पीछे लेकर जाएंगे। अब हम इस फंदे के 5 बनाएंगे सीधा बुनते हुए जैसे हम पहले बना रहे थे। तो जैसे हमने यहां से लेकर यहां तक इन 10 फंदों को बुना है इसी तरह से नेक्स्ट 10-10 फंदों को रिपीट करते हुए हम इसको बुनेंगे। तो अब रिपीट देखिए कैसे करना है। धागा हम पीछे से आगे लेकर आएंगे। अब नेक्स्ट 10 फंदों में से स्टार्टिंग के ये जो 2 फंदे हैं इनको हम उल्टा बुनेंगे। इन फंदों को उल्टा बुन लेने के बाद अब नेक्स्ट 5 फंदों का हमें सीधा बुनते हुए एक बनाना है। इसके लिए धागा हम पीछे लेकर जाएंगे और नेक्स्ट 5 फंदों को इस तरह से लेंगे। बैक लूप से सीधा बुनते हुए हमें 5 फंदों का एक बनाना है। 5 फंदों का एक बनाने के बाद फिर हम धागा आगे लेकर आएंगे। नेक्स्ट 2 फंदे ये उल्टे बुनेंगे। फिर ये वाला जो फंदा है इसके लिए धागा पीछे लेकर जाएंगे। सीधा बुनते हुए हमें इस फंदे के 5 बनाने हैं। इस तरह से हमने इन 10 फंदों पे इस डिजाइन को फिर से रिपीट कर दिया है। ऐसे ही 10-10 फंदों पर इस डिजाइन को रिपीट करते हुए अब आगे हम बुनते जाएंगे। 10-10 फंदों पर डिजाइन की प्रोसेस को रिपीट करते हुए हम यहाँ पे लास्ट में आ गए हैं। अब लास्ट में हमारे पास ये जो 10 फंदे हैं इन पे भी हम इसी तरह से डिजाइन बनाएंगे। धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे। नेक्स्ट 10 फंदों में से स्टार्टिंग के 2 फंदे इनको हम उल्टा बुनेंगे।
धागा पीछे लेकर जाएंगे। नेक्स्ट 5 फंदों का हमें सीधा बुनते हुए एक बनाना है। इस तरह से बैक लूप से 5 फंदों का सीधा बुनते हुए हमने एक बना दिया। अब धागा आगे लेकर आएंगे, 2 फंदे ये उल्टे बुनेंगे। इन 2 फंदों को उल्टा बुन लेने के बाद लास्ट वाले फंदे को धागा पीछे ले जाकर हम सीधा बुन देंगे। इस तरह से हमने ये राइट साइड की 7th रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब हम रॉन्ग साइड की 8th रो पर आ जाएंगे। अब 8th रो में हमें फर्स्ट फंदा तो स्लिप ही करना है। इस फंदे को स्लिप करने के बाद नेक्स्ट ये जो 2 फंदे हैं सीधे नजर आ रहे हैं, तो धागा पीछे लेकर जाएंगे। इन दोनों फंदों को हम सीधा बुन देंगे। इन दोनों फंदों को सीधा बुन लेने के बाद अब ये वाला जो फंदा है ये हमें यहां से रॉन्ग साइड से उल्टा नजर आ रहा है, तो धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे। इस फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे। अब नेक्स्ट हम 9 फंदे 9 स्टिचेस सीधा बुनेंगे। इन 9 फंदों को सीधा बुन लेने के बाद फिर ये वाला फंदा हमारा आ जाएगा। ये उल्टा नजर आ रहा है, तो धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे। इस फंदे को हम उल्टा बुनेंगे। इस फंदे को उल्टा बुन लेने के बाद फिर हम 9 फंदे ये सीधे बुनेंगे, फिर इस फंदे को उल्टा बुनेंगे, फिर 9 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर ये फंदा आ जाएगा, इसको हम उल्टा बुनेंगे। तो इसी तरह से हम यहाँ पे 9 फंदे सीधे एक फंदा उल्टा, 9 फंदे सीधे एक फंदा उल्टा, इस सीक्वेंस से हम इनको बुनते जाएंगे। तो जब हम इनको बुनते हुए यहाँ पे आ जाएंगे लास्ट में, ये 9 फंदे सीधे बुनकर एक फंदा उल्टा, फिर ये जो लास्ट में हमारे 3 फंदे हैं इनको सीधा बुनकर इस तरह से इस रो को बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो ऐसे अब इसको हम बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। रॉन्ग साइड की इस 8th रो को मैंने यहां तक बुनकर कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे 9 फंदे ये सीधे बुन लेने के बाद एक फंदा उल्टा बुन लिया है। अब लास्ट में हमारे पास ये 3 फंदे बचे हैं, तो धागा ऐसे हम पीछे लेकर जाएंगे, इन 3 फंदों को सीधा बुनकर इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमने ये रॉन्ग साइड की 8th रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब टर्न करके हम राइट साइड पर आ जाएंगे। अब ये हमारे डिजाइन की 9th रो है। इसमें हम फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे। फर्स्ट फंदे को स्लिप करने के बाद अब ये जो नेक्स्ट 2 फंदे हैं ये हमें उल्टे नजर आ रहे हैं, तो इन दोनों फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। यहां पे इन 2 उल्टे फंदों को बुन लेने के बाद अब ये जो फंदा है ये हमें सीधा नजर आ रहा है, तो धागा पीछे लेकर जाएंगे। इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे। अब यहां तक इन फंदों को बुन लेने के बाद अब नेक्स्ट जो हम आगे बुनेंगे, 9 फंदे उल्टे ये एक फंदा सीधा, 9 फंदे फिर उल्टे फिर एक फंदा सीधा, 9 फंदे उल्टे एक फंदा सीधा, इस तरह से बुनते हुए हम यहां तक इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो ऐसे अब हम इसको बुन लेते हैं। धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, 9 फंदे उल्टे बुनेंगे एक फंदा सीधा बुनेंगे। इन 9 फंदों को उल्टा बुन लेने के बाद धागा पीछे लेकर जाएंगे, फिर ये वाला फंदा आ जाएगा, इसको हमें सीधा बुनना है। अब इसी तरह से 9 फंदे उल्टे एक फंदा सीधा बुनते हुए हम एंड तक इसको कंप्लीट करेंगे। यहां से 9 फंदे उल्टे एक फंदा सीधा, 9 फंदे उल्टे एक फंदा सीधा, इस सीक्वेंस से बुनते हुए हम यहाँ पे लास्ट में आ गए हैं। अब यहाँ 9 फंदे उल्टे बुन लेने के बाद एक फंदा सीधा बुन लिया है। अब लास्ट में हमारे पास ये 3 फंदे बचे हैं, धागा आगे लाकर इन 3 फंदों को उल्टा बुनकर इस तरह से इस रो को हम कंप्लीट करेंगे। ऐसे हमने ये राइट साइड की 9th रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब हम टर्न करके रॉन्ग साइड पर आ जाएंगे। अब ये हमारी 10th रो है। रॉन्ग साइड की इस 10th रो को सेम एज इट इज हमें वैसे ही बुनना है जैसे हमने 8th रो बुनी थी। अब यहाँ पे फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, नेक्स्ट 2 फंदे ये सीधे बुनेंगे, फिर नेक्स्ट फंदा धागा आगे लाकर उल्टा बुनेंगे। अब इसके बाद
9 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, 9 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा। इस तरह से हम यहाँ तक एंड तक इसको बुन लेंगे। फिर लास्ट में यहाँ पे ये 3 फंदे सीधे हैं, इनको हम सीधा बुनेंगे। तो इस सीक्वेंस से अब हम इसको बुन लेते हैं। रॉन्ग साइड की इस 10th रो में यहाँ तक इन फंदों को बुन लेने के बाद फिर 9 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, 9 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा। इस सीक्वेंस से बुनते हुए हम यहाँ पे लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पे इन 9 फंदों को सीधा बुन लेने के बाद एक फंदे को मैंने उल्टा बुन लिया है। अब हमारे पास ये लास्ट में 3 फंदे बचे हैं, तो धागा हम ऐसे पीछे लेकर जाएंगे, इन तीनों फंदों को सीधा बुनकर ऐसे हम इस 10th रो को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमने ये 10th रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब इस रो को हमने सेम एज इट इज वैसे ही बुना है जैसे हमने 8th रो को बुना था। इसके बाद हम टर्न करके राइट साइड में आ जाएंगे। अब राइट साइड की ये हमारी 11th रो है। इस 11th रो को सेम एज इट इज हमें 9th रो की तरह बुनकर कंप्लीट करना है। फर्स्ट फंदा हम स्लिप करेंगे। इस फंदे को स्लिप करने के बाद नेक्स्ट ये 2 फंदे हैं, इनको हम उल्टा बुनेंगे। इन दोनों फंदों को उल्टा बुन लेने के बाद फिर ये फंदा आ जाएगा, धागा पीछे लेकर जाएंगे, इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे। इस फंदे को सीधा बुन लेने के बाद अब हम यहां पे 9 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 9 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, इस तरह से बुनते हुए एंड तक यहां तक कंप्लीट कर लेंगे। फिर लास्ट में ये 3 फंदे होंगे, इनको उल्टा बुनकर ऐसे हमें इस रो को कंप्लीट करना है। तो इसी तरह से जैसे हमने 9th रो बुनी थी वैसे ही ये हमारी 11th रो भी बुनकर हम कंप्लीट करेंगे। राइट साइड की इस 11th रो को मैंने यहां तक बुनकर कंप्लीट कर लिया है। जैसे मैंने यहां से आपको बताया था, यहां तक बुन लेने के बाद 9 फंदे उल्टे एक सीधा, 9 फंदे उल्टे एक सीधा, इस तरह से बुनते हुए यहां तक इसको कंप्लीट करने के बाद फिर लास्ट में हमारे पास ये 3 फंदे थे जिनको उल्टा बुनकर ऐसे इस रो को कंप्लीट कर लिया है। जैसे हमने 9th रो को बुना था सेम एज इट इज ऐसे इस 11th रो को भी बुन लिया है। अब इस रो को बुनकर कंप्लीट करने के बाद हम रॉन्ग साइड की 12th रो पर आ जाएंगे। अब ये जो हमारी रॉन्ग साइड की 12th रो है इसको हमें सेम एज इट इज जैसे हमने 8th और 10th रो बुनी थी ऐसे ही बुनकर कंप्लीट करना है। फर्स्ट फंदा हम स्लिप करेंगे। इस फंदे को स्लिप करने के बाद नेक्स्ट 2 फंदे ये सीधे हैं, इनको हम सीधा बुन लेंगे। इन फंदों को सीधा बुन लेने के बाद अब ये नेक्स्ट फंदा हमारा उल्टा है, तो धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, इस फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे। अब नेक्स्ट ये 9 फंदे हम सीधे बुनेंगे, फिर एक फंदा उल्टा, फिर 9 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, 9 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा। इस तरह से इस सीक्वेंस से बुनते हुए हम यहां तक इसको कंप्लीट कर लेंगे। फिर लास्ट में ये 3 फंदे होंगे, इनको हमें सीधा बुनना है। इस तरह से इस रॉन्ग साइड की रो को बुनकर कंप्लीट करेंगे। रॉन्ग साइड की इस 12th रो को मैंने यहां तक बुनकर कंप्लीट कर लिया है। जैसे 8th और 10th रो को बुना था इस 12th रो को भी सेम एज इट इज ऐसे ही बुना है। अब इस रो को बुनकर कंप्लीट करने के बाद हमारे डिजाइन की ये जो 12 रोज थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम यहां से जब राइट साइड से बुनना स्टार्ट करेंगे तो फिर से इन्हीं 12 रोज को रिपीट करेंगे। अब हम यहां से जब फर्स्ट रो बुनेंगे तो फर्स्ट रो हमें यहां से जैसे हमने बुनना स्टार्ट किया था इसी तरह से बुननी है, सिर्फ एक डिफरेंस आएगा। जैसे यहां पे जब हमने फर्स्ट रो बुनी थी तो यहां फर्स्ट फंदा स्लिप करके 2 फंदे उल्टे बुने थे, फिर इस फंदे के हमने 5 बनाए थे सीधा बुनते हुए, फिर नेक्स्ट 2 फंदे उल्टे बुने थे, फिर यहां पे ये वाला जो फंदा था हमारा सीधा था उसको हमने सीधा बुना था, बट अब यहां पे हमें इन 5 फंदों का सीधा बुनते हुए एक बनाना है, तब हमारी सेम वही पोजीशन आ जाएगी। तो अब इस रो को आप ध्यान से देख लीजिए, जैसे हमने फर्स्ट रो बुनी थी वहां तो हमने डिजाइन स्टार्ट किया था लेकिन बुनना उसी तरह से है, बस ये वाला जो फंदा है यहां पे हमने सीधा बुना था, अब यहां पे ये हमारे 5 फंदे हैं इनका एक हमें बनाना है सीधा बुनते हुए, बस ये डिफरेंस आएगा। और यहां पे जो हम 5 बनाते जा रहे थे फिर यहां पे 5 बना रहे थे, ऐसे ही बनते जाएंगे। तो अब एक बार इस रो को आप देख लीजिए, फर्स्ट रो में यहां पे हमें थोड़े से चेंजेस करने हैं, फिर सेकंड से लेकर 12th तक जो रोज हमने यहां पे बुनी है एज इट इज उन्हीं को रिपीट करना है। अब हम यहां से डिजाइन की फर्स्ट रो रिपीट करते हुए बुनेंगे, तो वो देखिए हमें किस तरह से करना है। फर्स्ट फंदा हम स्लिप करेंगे। इस फंदे को स्लिप करने के बाद अब नेक्स्ट 10 फंदों पर जिस तरह से हम यहां पे ये डिजाइन बुनेंगे ऐसे ही 10-10 फंदों पर हमें पूरी रो में रिपीट करते जाना है। जब हमने यहाँ पे डिजाइन डालना स्टार्ट किया था तो हमने इन 6 फंदों पर जैसे डिजाइन बुना था ऐसे ही 6-6 फंदों पर डिजाइन को रिपीट करते गए थे, लेकिन अब ये वाला फंदा
इसको हमने 5 बना दिए हैं बढ़ाकर, तो अब हम जब रिपीट करना स्टार्ट करेंगे तो ये हमारे फंदे 10 हो गए हैं। तो जैसे इन 10 फंदों पर हम डिजाइन बनाएंगे, इन 10 फंदों के इस डिजाइन को हम आगे रिपीट करते जाएंगे। तो वो देखिए आप कैसे करेंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करने के बाद अब नेक्स्ट 10 फंदों में से स्टार्टिंग के ये जो 2 फंदे हैं इनको हम उल्टा बुनेंगे। 2 फंदों को उल्टा बुन लेने के बाद अब ये वाला फंदा आ जाएगा। इस फंदे के हमें सीधा बुनते हुए 5 बनाने हैं। धागा पीछे लेकर जाएंगे, फिर ऐसे हम सीधा बुनते हुए इस फंदे के 5 बना लेंगे। सीधा बुनते हुए इस फंदे के हमने 5 बना लिए हैं। फिर धागा आगे लेकर आएंगे, 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 2 फंदों को उल्टा बुन लेने के बाद अब धागा पीछे लेकर जाएंगे। अब यहां पे तो हम सीधा फंदा नॉर्मली बुन रहे थे, लेकिन यहां पे अब इस फंदे के, ये नेक्स्ट 5 फंदे के हमें ऐसे सीधा बुनते हुए 1 बनाना है। ऐसे हम बैक लूप से इन 5 फंदों को लेंगे और सीधा बुनते हुए 5 फंदों का 1 बना देंगे। इस तरह से यहां से लेकर यहां तक जैसे इन 10 फंदों को हमने बुना है, इसी प्रोसेस को आगे हम रिपीट करते जाएंगे 10-10 फंदों पर। आप देखिए रिपीट कैसे करना है। इन 5 फंदों का 1 बनाने के बाद अब हम धागा ऐसे आगे लेकर आएंगे, ये 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। नेक्स्ट 10 फंदों में से 2 फंदे हम उल्टे बुन चुके हैं। फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे, अब इस फंदे के हमें 5 बनाने हैं। ऐसे सीधा बुनते हुए इस फंदे के हम 5 बना लेंगे। फिर धागा आगे लेकर आएंगे, नेक्स्ट 2 फंदे हम उल्टा बुनेंगे। 2 फंदों को उल्टा बुन लेने के बाद धागा पीछे लेकर जाएंगे, फिर नेक्स्ट 5 फंदों के सीधा बुनते हुए हमें 1 बनाने हैं। तो ऐसे हमने इन 10 फंदों पर फिर से डिजाइन को रिपीट कर दिया है। एक बार और आप इसको देख लीजिए। अब हम नेक्स्ट 10 फंदों पर फिर से डिजाइन को देखिए कैसे रिपीट करेंगे। धागा आगे लेकर आएंगे, नेक्स्ट 10 फंदों में से स्टार्टिंग के ये 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। इन दोनों फंदों को उल्टा बुन लेने के बाद अब इस फंदे के हमें सीधा बुनते हुए 5 बनाने हैं। धागा पीछे लेकर जाएंगे, ऐसे सीधा बुनेंगे। सीधा बुनते हुए इस फंदे के हमने 5 बना दिए हैं। फिर धागा आगे लेकर आएंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। 2 फंदों को उल्टा बुन लेने के बाद धागा पीछे लेकर जाएंगे, अब नेक्स्ट 5 फंदों के हमें सीधा बुनते हुए 1 बनाना है। तो इस तरह से इन 10-10 फंदों पे इस डिजाइन को रिपीट करते हुए हम यहां तक बुन लेंगे। तो ऐसे अब इस रो को हम बुनकर कंप्लीट करेंगे। 10-10 फंदों पर डिजाइन को रिपीट करते हुए हम यहाँ पे लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पे 10 फंदों पर डिजाइन को बुन लेने के बाद अब लास्ट में हमारे पास ये 6 फंदे हैं, 6 स्टिचेस हैं। जब हमने ये डिजाइन की फर्स्ट रो बुनी थी, यहाँ पे हमारे पास इसी तरह से 6 स्टिचेस थे। तो अब हम इनको रिपीट करना स्टार्ट करेंगे डिजाइन को। 6 फंदों पर देखिए कैसे बुनेंगे। धागा ऐसे आगे लेकर आएंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर इस फंदे के हमें सीधा बुनते हुए 5 बनाने हैं। धागा पीछे लेकर जाएंगे, इस तरह से इस फंदे के 5 बनाने के बाद धागा आगे लेकर आएंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे, लास्ट वाले फंदे को सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से हमने ये डिजाइन की फर्स्ट रो को रिपीट कर दिया है। यहां से हमने डिजाइन डालना स्टार्ट किया था, तब तो हमने यहाँ पे 6-6 फंदों को रिपीट करते हुए डिजाइन को बुना था, लेकिन यहां हमारे ये फंदे बढ़ गए थे। तो इसलिए अब जब हम दोबारा से डिजाइन को रिपीट करना स्टार्ट करेंगे, तो जैसे मैंने आपको ये रो फर्स्ट रो बुनकर बताई है डिजाइन की, ऐसे हमें आगे 12 रोज में फर्स्ट रो को रिपीट करना है। अब इस तरह से डिजाइन को हमने यहाँ पे सेट कर दिया है। इसके बाद जैसे मैंने आपको यहाँ से सेकंड से लेकर 12 तक ये रोज बुनकर बताई है, ऐसे ही अब यहाँ से रॉन्ग साइड से हम सेकंड से लेकर 12 तक
रोज को वैसे ही रिपीट करेंगे जैसे हमने यहाँ पे की थी, तो फिर ये डिजाइन हमारा आगे बनता जाएगा। तो अब हम इसी तरह से 12 12 रोज के इस डिजाइन को रिपीट करते हुए आगे बुनते जाएंगे। जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये फर्स्ट रो डिजाइन की रिपीट करके बताई है, आगे जो भी हम 12 12 रोज बुनेंगे, फर्स्ट रो जब भी डिजाइन की आएगी इस तरह से हमें रिपीट करनी है। तो फिर टू सेकेंड से लेकर 12 तक जो रोज है ऐसे ही हम बुनते जाएंगे जैसे हमने यहाँ पे बुनी है। तो आपका ये डिजाइन आगे आगे बढ़ता जाएगा। इस डिजाइन का मैंने अलग से भी एक वीडियो अपलोड किया है, अगर आपको थोड़ी सी भी कोई कंफ्यूजन होती है तो आप उस डिजाइन पर जाकर भी इस डिजाइन को सीख सकते हैं। तो अब आगे हम इन 12 12 रोज को रिपीट करते हुए इस डिजाइन से इस स्लीव की लेंथ को बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। इस डिजाइन से बुनते हुए मैंने इस स्लीव की लेंथ को कंप्लीट कर लिया है। यहां तक ये जो 12 सलाइयां हमने बुनी थी इसमें हमारा इतना पार्ट ये तैयार हुआ था। अब 5 बार मैंने ऐसे ही इन 12 सलाइयों को रिपीट करते हुए इस डिजाइन को यहां तक बुन लिया है। यहां तक ये लेंथ में हमारा कितना बुनकर तैयार हुआ है इसको हम मेजर कर लेते हैं। यहां से जहां से हमने डिजाइन डालना स्टार्ट किया, यहां से इस डिजाइन की अप्रोक्सीमेटली जो लेंथ हमारी हुई है 7.5 इंच, इतना हमने इसको बुनकर तैयार कर लिया है। अब इसके बाद हम राइट साइड से यहां से आगे इस डिजाइन को कंटिन्यू नहीं करेंगे। अब हम यहां पे जो भी हमारे ये स्टिचेस इस डिजाइन के अकॉर्डिंग ये बढ़ गए हैं, यहाँ पे ये 5 फंदे हो गए हैं, 1 के हमने 5 बना दिए थे, इनको भी हम यहाँ पे घटाएंगे और कुछ फंदे और आगे हम घटाएंगे। अब देखिए इसको हम किस तरह से बुनेंगे। फर्स्ट फंदे को हम स्लिप करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट फंदे को हम उल्टा बुनेंगे। यहां तक इन फंदों को बुन लेने के बाद अब नेक्स्ट जो हमारे 10 फंदे हैं, 10 स्टिचेस हैं, इन पर हम जिस तरह से यहां तक इस डिजाइन को बुनेंगे ऐसे ही 10-10 फंदों पर इस डिजाइन को हम यहां तक एंड के 5 फंदों से पहले तक रिपीट करते हुए बुनते जाएंगे। तो अब देखिए नेक्स्ट 10 फंदों को हमें किस तरह से बुनना है। नेक्स्ट 10 फंदों में से स्टार्टिंग के जो ये 3 फंदे हैं इनमें से हमें इन तीनों फंदों का सीधा बुनते हुए 1 बनाना है, लेकिन ये जो सीधा फंदा है इसको हमें इस तरह से लेना है। इस फंदे को ऐसे लेने के बाद इस फंदे को हम निकाल देंगे, फिर इस तरह से सिलाई में डालेंगे और इस फंदे को ऐसे पलटकर इस सिलाई में डाल देंगे। और अब हम धागा ऐसे पीछे लेकर जाएंगे, सीधा बुनते हुए हमें इन 3 फंदों का 1 बनाना है। तो ऐसे हम इन तीनों फंदों को इकट्ठा लेंगे ऐसे बैक लूप से और सीधा बुनते हुए इन 3 फंदों का 1 बना देंगे। इस तरह से 3 फंदों का 1 बनाने के बाद धागा आगे लेकर आएंगे, फिर 1 फंदा हम उल्टा बुनेंगे, फिर हम धागा पीछे लेकर जाएंगे। अब हम नेक्स्ट 5 फंदों का सीधा बुनते हुए 1 बनाएंगे। ये जो नेक्स्ट 5 फंदे हैं इनको हम इस तरह से लेंगे, बैक लूप से सीधा बुनते हुए इन 5 फंदों का 1 बना देंगे। अब धागा आगे लेकर आएंगे, 1 फंदा हम उल्टा बुनेंगे। तो यहां तक हमने जैसे इन 10 फंदों को बुना है ऐसे इन 10-10 फंदों पर इस तरह से हम इस डिजाइन की प्रोसेस को रिपीट करते हुए बुनेंगे। अब हम धागा ऐसे पीछे लेकर जाएंगे, फिर से हमें इन 3 फंदों का 1 बनाना है। नेक्स्ट 10 फंदों में से स्टार्टिंग की जो 3 फंदे हैं इनमें से ये सीधा फंदा इसको हम ऐसे लेंगे, फिर इस फंदे को ऐसे निकाल देंगे, सिलाई में ऐसे डालेंगे, इस फंदे को पलट कर डाल देंगे और फिर इन तीनों फंदों को इकट्ठा एक साथ बैक लूप से सीधा बुनते हुए 3 फंदों का 1 बना देंगे। 3 फंदों का 1 बनाने के बाद अब हम धागा आगे लेकर आएंगे, 1 फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे, फिर हम ये 5 फंदे लेंगे सीधा बुनते हुए इनका हम 1 बना देंगे। इस तरह से 5 फंदों का 1 बनाने के बाद धागा आगे लेकर आएंगे, फिर 1 फंदा उल्टा बुनेंगे। तो जैसे मैंने इन 10 फंदों को फिर से बुना है ऐसे इन 10-10 फंदों को हम बुनते जाएंगे एंड के 5 फंदों से पहले तक। इसी तरह से इन 10-10 फंदों को हम बुनकर कंप्लीट करेंगे। इन फंदों को बुनते हुए हम लास्ट में आ गए हैं। अब लास्ट में हमारे पास ये 5 फंदे हैं। अब ये नेक्स्ट 3 फंदे इनको हम सीधा बुनते हुए 1 बनाएंगे। इस फंदे को ऐसे लेंगे, तरह से पलट कर डाल देंगे। अब तीनों फंदों को इकट्ठा एक साथ लेंगे बैक लूप से,
सीधा बुनते हुए एक बना देंगे। फिर धागा आगे लेकर आएंगे, इन दोनों फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। इस तरह से हमने ये राइट साइड की रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। इस रो में हमने फंदों को घटा दिया है। हमारे पास स्टार्टिंग में इस स्लीव को बुनने में 55 स्टिचेस थे, 55 फंदे थे। यहाँ पर जब हमने इन फंदों को घटा दिया तो अब हमारे पास टोटल स्टिचेस 37 है, 37 फंदे रह गए हैं। अब इसके बाद हम रॉन्ग साइड की रो पर आ जाएंगे। अब हमें यहाँ से काउंट करते हुए टोटल 11 रोज 11 सलाइयाँ बुनकर कंप्लीट करनी है और इन रोज को राइट साइड से भी रॉन्ग साइड से भी हमें सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट करना है। फर्स्ट फंदा ऐसे हम स्लिप करेंगे और इस तरह से सीधा सीधा बुनते हुए दोनों साइड से ये 11 सलाइयाँ बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड से काउंट करते हुए ये 11 रोज 11 सलाइयाँ दोनों साइड से सीधा सीधा बुनकर मैंने कंप्लीट कर ली है। रॉन्ग साइड से आप ये उल्टी उल्टी लाइंस जब काउंट करेंगे तो आपको ये 5 नजर आएंगी और जब राइट साइड से काउंट करेंगे तो ये आपको 6 नजर आएंगी। तो यहाँ तक हमारी 11 रोज कंप्लीट करने के बाद हम राइट साइड पर आ गए हैं। अब यहाँ से हम सारे स्टिचेस बाइंड ऑफ करेंगे। अब स्टिचेस जो हम बाइंड ऑफ करेंगे थोड़ा सा डिफरेंट तरीका यहाँ पे यूज करेंगे। अब यहाँ पे इनको बाइंड ऑफ करने के लिए पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, दूसरा फंदा ऐसे हम सीधा बुनेंगे। अब हम इन दोनों फंदों को लेफ्ट नीडल में शिफ्ट करेंगे। इस तरह से शिफ्ट करने के बाद अब हम पहला फंदा सीधा बुनेंगे और दूसरे फंदे को स्लिप करेंगे और फिर यहां से एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब यहां पे जो फंदा हमने स्लिप किया है इस फंदे को हम ऐसे पकड़ेंगे और इस फंदे के ऊपर से ऐसे उतार देंगे। यहां तक बुन लेने के बाद अब इन दोनों फंदों को दोबारा से हम इस लेफ्ट नीडल में शिफ्ट करेंगे। फिर से अब हम पहले फंदे को सीधा बुनेंगे, इस फंदे को सेकंड फंदे को स्लिप करेंगे, फिर यहां से एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब जो फंदा हमने स्लिप किया है इस फंदे को हम ऐसे पकड़ेंगे और इस फंदे के ऊपर से उतार देंगे। अब फिर से हम इन दोनों फंदों को इस लेफ्ट नीडल में शिफ्ट करेंगे। लेफ्ट नीडल में शिफ्ट करने के बाद पहला फंदा सीधा बुनेंगे, दूसरे फंदे को स्लिप करेंगे, फिर यहां से एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर जो फंदा हमने स्लिप किया है इस फंदे को ऐसे पकड़ेंगे और इस फंदे के ऊपर से उतार देंगे। फिर इन दोनों फंदों को हम लेफ्ट नीडल में शिफ्ट करेंगे। तो इसी प्रोसेस को हम रिपीट करते हुए इन स्टिचेस को बाइंड ऑफ करते जाएंगे। यहां से इन सारे स्टिचेस को बाइंड ऑफ करते हुए हम लास्ट में आ गए हैं। अब लास्ट में यहां पे अब हम इस फंदे को जो हमने स्लिप किया था इसको भी इसके ऊपर से उतार देंगे और इस लास्ट वाले फंदे को भी इसके ऊपर से उतार देंगे। इस तरह से हमने यहां पे इन सारे स्टिचेस को बाइंड ऑफ कर दिया है। अब यहां से हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। अब यहां से जब इसको हम स्टिच करना स्टार्ट करेंगे तो आप यहां से क्रोशिए के थ्रू भी यहां से लेकर यहां तक इसको स्टिच कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप नीडल से इसको स्टिच करना चाहें तो आप जितना स्टिचिंग के लिए थ्रेड हमें यहां पे चाहिए इतना रखकर इस थ्रेड को कट कर सकते हैं। अब हम यहां से इसको स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। इसको ऐसे हम रॉन्ग साइड से ले लेंगे फोल्ड करते हुए और ये जो हमारा फंदा था इसमें हम ऐसे क्रोशे को डाल लेंगे और धागे को ऐसे उंगली पर लपेट लेंगे। अब हम यहाँ से ये जो हमारा एज है इसमें क्रोशे को इस तरह से डालेंगे, इस धागे को ऐसे पकड़ेंगे और इस तरह से इन दोनों लूप्स में से निकाल देंगे। इस तरह से यहाँ पे सेट करने के बाद अब हम यहाँ से ये जो हमारा डॉट है इसमें क्रोशिया डालेंगे यहाँ से और फिर यहाँ भी हमारी ये जो फर्स्ट डॉट है इसमें ऐसे क्रोशिया डालेंगे और फिर इस धागे को ऐसे पकड़ेंगे, इन दोनों लूप्स में से
ऐसे निकाल देंगे और फिर इसको हम पीछे वाले लूप्स में से ऐसे निकाल देंगे। इस तरह से हम इसको अब यहाँ से स्टिच करते जाएंगे। अब नेक्स्ट फिर से देखिए, अब नेक्स्ट जो है इसमें हम ऐसे इस एच में क्रोशे को डालेंगे, फिर यहाँ से भी ये जो हमारे एच की इस तरह की लाइन है इसमें क्रोशिया डालेंगे, फिर धागे को ऐसे पकड़ेंगे, इन दोनों लूप्स में से ऐसे निकाल देंगे और फिर इस पीछे वाले लूप में से ऐसे निकाल देंगे। तो इस तरह से अब हम इसको स्टिच करते जाएंगे। अब इस तरह से हम इसको ऐसे ही दोनों साइड में डालते जाएंगे ऐसे, और फिर इस पीछे वाले में से निकालते जाएंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने इस स्लीव को स्टिच कर लिया है। स्लीव को स्टिच करने के बाद ये जो हमारा लूप है जिससे कि हम स्टिच करते जा रहे थे, इसको हम ये जो बैक पार्ट के स्टिचेस हैं इनमें ऐसे डाल देंगे। और अब हम यहाँ से इसको बुनना स्टार्ट करेंगे। देखिए, जब हमने यहाँ से स्टार्ट किया था तो जो हमारे फ्रंट पार्ट के 39 स्टिचेस थे, 39 फंदे थे, उनको हमने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बुन लिया था। लास्ट में हमारे ये दो फंदे उल्टे आए थे। हम इस सीक्वेंस से बुनते आ रहे थे। यहाँ पे स्टार्टिंग के ये बटन स्ट्रिप के स्टिचेस 7 फंदे, इनको बुन लेने के बाद दो फंदे उल्टे एक सीधा, दो उल्टे एक सीधा, इस तरह से बुनते हुए जब हम लास्ट में आए तो ये हमारे फ्रंट पार्ट के दो उल्टे फंदे आए थे। यहाँ तक 39 फंदों को बुन लेने के बाद फिर हमने स्लीव को बुनकर तैयार कर लिया है। अब हम जो बैक पार्ट के 70 फंदे हैं उनको इस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बुनते हुए यहाँ तक कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ तक ये 70 स्टिचेस मैंने काउंट करके यहाँ पे मार्कर लगा दिया है। अब ये जो फंदा यहाँ से आया था इसको हम बैक पार्ट के फंदों के साथ अब यहाँ से कंटिन्यू करते हुए बुनेंगे। दो फंदे ये उल्टे हैं, तो अब जब हम बैक पार्ट के स्टिचेस को बुनेंगे तो एक फंदा सीधा, दो फंदे उल्टे, एक सीधा, दो उल्टे, इस तरह से बुनते हुए यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। तो जो फंदा हमने यहाँ से ये लिया है इसको हम बैक पार्ट के फंदों के साथ ऐसे मिलाते हुए सीधा बुनते हुए दो फंदों का एक कर देंगे। इस तरह से यहां पे हमने ये दो फंदों का एक कर दिया है सीधा बुनते हुए। फिर धागा आगे लेकर आएंगे। अब नेक्स्ट दो फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे ले जाएंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे ले आएंगे, दो फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे ले जाएंगे, एक फंदा सीधा, दो फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, दो फंदे उल्टे। इसी सीक्वेंस से हम यहाँ तक इन 70 फंदों को बुनकर कंप्लीट करेंगे। यहाँ से इन फंदों को फ्रंट पार्ट के साथ कंटिन्यू करते हुए इन 70 फंदों को मैंने यहाँ तक बुन लिया है। तो यहाँ तक हमारा फ्रंट का एक पार्ट और बैक पार्ट के स्टिचेस यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद फिर ये जो दूसरी स्लीव के 55 फंदे थे ये आ गए हैं। अब इन 55 फंदों को सेम एज इट इज हमें ऐसे ही बुनना है जैसे हमने इस स्लीव पे इन फंदों को बुना था। तो अब इसको हम यहाँ से बुनना स्टार्ट करेंगे। यहाँ के बाद अब इस दूसरी स्लीव को हम यहाँ से बुनेंगे। तो इसमें हम स्टार्टिंग वैसे ही करेंगे जैसे हमने वहाँ पे की थी, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे लेकर जाएंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे लाकर दो फंदे उल्टे, इसी तरह से एक फंदा सीधा, दो फंदे उल्टे, एक सीधा, दो उल्टे, इस सीक्वेंस से बुनते हुए हम यहां तक इन 55 फंदों को बुन लेंगे। यहां से लेकर यहां तक स्लीव के ये 55 स्टिचेस, 55 फंदों को मैंने बुन लिया है। यहां से स्टार्टिंग जब हमने की थी
एक फंदा सीधा, दो फंदे उल्टे, एक सीधा, दो उल्टे। इस सीक्वेंस से जब हम बुनते हुए आए तो लास्ट में यहाँ पे दो फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा आया है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इस डिज़ाइन को सेट कर दिया है। अब हम ये जो हमारा दूसरा फ्रंट पार्ट है इसके 39 स्टिचेस, इनको नहीं बुनेंगे, यहाँ से इसको टर्न करके रॉन्ग साइड में आ जाएंगे। अब यहाँ से ये जो हमारी रो है इसको हम यहाँ तक इन 55 फंदों को बुन लेंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट फंदा तो हम स्लिप करेंगे। इस फंदे को स्लिप करने के बाद फिर हम धागा पीछे लेकर जाएंगे। नेक्स्ट दो फंदे ये सीधे हैं, इनको हम सीधा बुनेंगे, फिर एक फंदा उल्टा, फिर दो फंदे सीधे, एक उल्टा। जो फंदे जैसे दिख रहे हैं ऐसे बुनते हुए यहाँ तक इस मार्कर तक सारे फंदों को बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। ये दो फंदे सीधे बुन लेने के बाद ये फंदा उल्टा है तो धागा आगे लेकर आएंगे, इस फंदे को उल्टा बुनेंगे। तो जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसे इनको हम बुनते जाएंगे। अब यहां से फर्स्ट फंदे को स्लिप करके दो फंदे सीधे, एक उल्टा, दो फंदे सीधे, एक उल्टा, जो जैसे दिख रहे थे इस तरह से बुनते हुए यहां तक मैंने इन 55 फंदों को बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहां से राइट साइड में आ जाएंगे। अब हमें यहां से इन 55 स्टिचेस पर, इन 55 फंदों पर सेम एज इट इज वैसे ही इस स्लीव को बुनते जाना है जैसे हमने इसको यहां से लेकर यहां तक बुनकर कंप्लीट किया था। तो ऐसे अब हम जैसे हमने इस स्लीव को बुनकर कंप्लीट किया है ऐसे ही इन 55 फंदों पर इस दूसरी स्लीव को भी बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। इस स्लीव को भी मैंने सेम एज इट इज इस स्लीव की तरह बुनकर जैसे यहाँ से यहाँ तक क्रोशे से स्टिचिंग की थी इस तरह से यहाँ तक स्टिच करके कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे जो हमने ये क्रोशे से स्टिचिंग की ये वाला जो फंदा है इसको हम इस सिलाई में डाल लेंगे और बैक पार्ट में भी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट हमें चाहिए थी दो फंदों की तो वो मैंने इसमें बढ़ा लिए थे। अब हमारे पास लास्ट में यहाँ पे ये दो फंदे उल्टे आए हैं। अब यहाँ से ये जो फंदा हम यहाँ से स्टिच करते हुए आए थे जो क्रोशे वाला फंदा था इसको भी हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे। ऐसे इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे। इस फंदे को सीधा बुन लेने के बाद धागा आगे लेकर आएंगे। अब हमारे जो यहाँ के ये 39 स्टिचेस हैं इनको हम बुनना स्टार्ट करेंगे। दो फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, दो उल्टे, एक सीधा, इस तरह से बुनते हुए हम लास्ट के ये 7 फंदों से पहले तक ऐसे इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब यहां से इसको हम बुनना स्टार्ट करेंगे। दो फंदे उल्टे, धागा पीछे लेकर जाएंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे लेकर आएंगे, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे लेकर जाएंगे, एक फंदा सीधा। अब इसी तरह से दो उल्टे एक सीधा, दो उल्टे एक सीधा, ऐसे बुनते हुए हम यहां तक इसको कंप्लीट कर लेंगे। यहां से दो फंदे उल्टे एक सीधा, दो उल्टे एक सीधा, इस सीक्वेंस से जब हम इनको यहां तक बुनते हुए आए तो लास्ट में हमारे पास ये दो फंदे उल्टे आए हैं। अब इसके बाद ये जो हमारे 7 फंदे बटन स्ट्रिप के हैं इनको हम उल्टा बुनकर इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से यहां तक हमने इन सारे फंदों को बुन लिया है। अब अगर आपको यहां पे इस डिजाइन के अकॉर्डिंग कहीं भी अगर आपको फंदे बढ़ाने की जरूरत पड़ती है तो आप यहाँ पे बैक पार्ट में या फिर फ्रंट के दोनों पार्ट में इक्वली फंदे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे मुझे दो फंदे यहाँ पे बढ़ाने की जरूरत थी तो मैंने बैक पार्ट में 70 स्टिचेस थे तो दो और बढ़ाकर 72 कर लिए थे और एक फंदा यहाँ से बढ़ा लिया। अब हमारे डिजाइन के अकॉर्डिंग ये फंदे कंप्लीट हो चुके हैं। टोटल स्टिचेस हमारे पास 151 है। देखिए 39 स्टिचेस हमारे फ्रंट पार्ट के यहाँ के थे, 39 यहाँ के, और बैक में 70 स्टिचेस थे, दो मैंने बढ़ा लिए 72 हो गए और एक फंदा यहाँ पे ये जो क्रोशे से स्टिच करते हुए हम आए थे डिजाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर दिया। तो इस तरह से जब इन सारे फंदों को हम काउंट करेंगे तो ये हमारे 151 हो जाएंगे, 151 फंदे हो जाएंगे। अब 151 फंदों में से जो 7 फंदे हैं ये तो दोनों साइड हमारे बटन स्ट्रिप के रहेंगे और बीच के जो हमारे 137 फंदे हैं उन पर हम डिजाइन बनाएंगे। अब हम रॉन्ग साइड की रो पर आ जाएंगे। इस रॉन्ग साइड की रो में ये जो हमारे बटन स्ट्रिप के स्टिचेस हैं फर्स्ट फंदा स्लिप करके नेक्स्ट फंदों को हम उल्टा बुनेंगे।
फर्स्ट फंदे को स्लिप करके नेक्स्ट ये बटन स्ट्रिप के स्टिचेस मैंने उल्टे बुन लिए हैं, यहां तक इन 7 फंदों को बुन लेने के बाद अब नेक्स्ट जो ये 2 फंदे हैं देखिए ये सीधे नजर आ रहे हैं, तो धागा हम पीछे लेकर जाएंगे, इन दोनों फंदों को हम सीधा बुनेंगे। फिर नेक्स्ट फंदा ये उल्टा है तो धागा आगे लेकर आएंगे, इस फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे, फिर ये 2 फंदे सीधे हैं तो इनको हम सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे लाकर इस फंदे को उल्टा बुनेंगे। तो ऐसे ही हम 2 फंदे ये सीधे, 1 फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, 1 फंदा उल्टा, ये हमें जो जैसे फंदे नजर आ रहे हैं इसी तरह से यहां से हम इनको बुनते हुए लास्ट के इस साइड के ये 7 फंदे जो हमारे बटन स्ट्रिप के हैं, इससे पहले तक जो फंदे जैसे दिख रहे हैं ऐसे हम यहां तक बुन लेंगे, फिर इन 7 फंदों को उल्टा बुनकर इस तरह से स्ट्रॉन्ग साइड की रो को कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे अब हम इसको बुन लेते हैं। रॉन्ग साइड की इस रो में जो फंदे जैसे दिख रहे थे इस तरह से यहां तक बुनकर फिर बटन स्ट्रिप के इन 7 फंदों को उल्टा बुनकर इस रो को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हम राइट साइड पर आ जाएंगे। अब यहां से हम यही स्ट्रॉबेरी वाला डिजाइन डालते हुए आगे का पार्ट बुनेंगे। हमारे पास ये 151 फंदों में से जो 137 फंदे हैं सेंटर के, उन पर हम डिजाइन बनाएंगे। एजेस के फंदे हमें लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों एजेस पे हमारे 7-7 फंदे बटन स्ट्रिप के हैं। तो अब इस रो में मैं आपको डिजाइन सेट करके बताऊंगी। इस डिजाइन का मैंने अलग से एक वीडियो भी अपलोड किया है, स्लीव्स में भी मैंने आपको ये डिजाइन बुनकर बताया है, तो आप उस डिजाइन पर जाकर भी वीडियो को देखकर डिजाइन को आगे बुन सकते हैं। तो अब हम यहां से इस रो में डिजाइन को कैसे सेट करेंगे वो मैं आपको यहां पे बता रही हूं। तो राइट साइड की जो फर्स्ट रो है डिजाइन की, पहले हमारे ये बटन स्ट्रिप के स्टिचेस हैं 7, इनको हम बुनेंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करके नेक्स्ट जो हमारे बटन स्ट्रिप के स्टिचेस हैं इनको हम उल्टा बुन लेंगे। यहां तक ये 7 फंदे बटन स्ट्रिप के बुन लेने के बाद अब देखिए हम डिजाइन डालना स्टार्ट करेंगे। अब हम नेक्स्ट ये जो हमारे 6 स्टिचेस हैं इन पर जिस तरह से डिजाइन डालेंगे ऐसे ही पूरी रो में 6-6 फंदों पर डिजाइन हम लास्ट तक रिपीट करेंगे। तो अब देखिए धागा आगे ही रहेगा, नेक्स्ट ये जो 2 फंदे हैं इनको हम उल्टा बुनेंगे। इन दोनों फंदों को उल्टा बुन लेने के बाद फिर ये जो सीधा फंदा है धागा पीछे ले जाएंगे, इस फंदे के हमें सीधा बुनते हुए 5 बनाने हैं। एक बार ऐसे सीधा बुनेंगे, धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, सिलाई पर लपेटते हुए फिर पीछे ले जाएंगे, फिर से इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे, फिर धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, सिलाई पर लपेटते हुए पीछे ले जाएंगे, फिर इस फंदे को सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से हमने इस एक फंदे के 5 बना दिए हैं सीधा बुनते हुए। फिर धागा आगे लेकर आएंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, एक ये जो सीधा फंदा है धागा पीछे लेकर जाएंगे, इसको हम सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से हमने इन 6 फंदों पर जैसे डिजाइन को यहां तक बुना है ऐसे ही 6-6 फंदों पर इस डिजाइन को हम रिपीट करते जाएंगे। यहां से बटन स्ट्रिप के 7 फंदों को बुन लेने के बाद जैसे इन 6 फंदों पर मैंने डिजाइन बुनकर आपको बताया है ऐसे ही 6-6 फंदों पर इस डिजाइन को बुनते हुए हम यहाँ पे लास्ट में आ गए हैं। अब लास्ट में यहाँ पे 6 फंदों पर डिजाइन को बुन लेने के बाद अब डिजाइन के हमारे ये 5 फंदे बचे हैं, इनके बाद ये 7 फंदे हमारे बटन स्ट्रिप के हैं। तो अब हम यहां तक 6 फंदों पर डिजाइन बुन लेने के बाद अब नेक्स्ट जो हमारे ये 5 फंदे हैं इनको हम बुनेंगे। धागा आगे लेकर आएंगे, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे। अब ये वाला जो फंदा है सीधा फंदा इसके हमें सीधा बुनते हुए 5 बनाने हैं। फिर धागा आगे लेकर आएंगे, 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। इस तरह से हमने ये डिजाइन के 137 फंदे बुन लिए हैं। अब यहां पे ये जो 7 फंदे हमारे बटन स्ट्रिप के हैं इनको उल्टा बुनकर इस रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। बटन स्ट्रिप के इन फंदों को उल्टा बुनकर इस तरह से इस रो को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब इस फर्स्ट रो में मैंने आपको डिजाइन सेट करके बता दिया है, जैसे स्लीव में मैंने डिजाइन आपको बुनकर बताया था सेम एज इट इज वैसे ही इस डिजाइन को अब हम आगे बुनते जाएंगे। 12 रोज का डिजाइन है,
उसको रिपीट करते हुए आगे हम बुनेंगे। अब सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि स्लीव में हमने दोनों साइड एक एक एजेस के लिए फंदा लिया था, लेकिन यहाँ पे एजेस में हमारे बटन स्ट्रिप के साथ साथ फंदे हैं। तो ये जो बटन स्ट्रिप के फंदे हैं, इनको हमें राइट साइड से भी रॉन्ग साइड से भी उल्टा ही बुनना है। और बीच में डिज़ाइन को बुनते हुए ऐसे अब हम आगे इस पार्ट को बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे जो ये बटन होल है, इसका गैप भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हमने यहाँ पे रॉन्ग साइड की 10th रो में बटन होल बनाया था, उसके बाद से ये जो हमारी राइट साइड में जब हम यहाँ पे बुनते हुए एंड में यहाँ पे आएंगे, तो ये जो उल्टी उल्टी लाइंस हैं राइट साइड से जब आप काउंट करेंगे, तो ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, इस बटन होल से यहाँ तक जैसे ये 13 उल्टी उल्टी लाइंस कंप्लीट हो जाएंगी, फिर रॉन्ग साइड से जब हम बुनना स्टार्ट करेंगे, तब हम उस रो में वैसे ही बटन होल बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पे 10th रो में बनाया था। तो इस तरह इतने इतने गैप पर हम इसी तरह बटन होल बनाते जाएंगे। तो अब आगे इस डिज़ाइन से बुनते हुए हम इस पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ से डिज़ाइन डालते हुए इस पार्ट को मैंने इतना बुनकर कंप्लीट कर लिया है। हमने यहाँ से डिज़ाइन डालना स्टार्ट किया था, यहाँ से यहाँ तक इस डिज़ाइन को बुनते हुए अप्रॉक्सीमेटली 7.5 इंच हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब आगे हमें इस डिज़ाइन को नहीं बुनना, आगे का जो पार्ट हम बुनेंगे इसमें जो इस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ये हमारे एक फंदे के 5 हो गए हैं, इनको हम 5 का 1 बनाते हुए इस रो में राइट साइड की रो में एडजस्ट कर देंगे। यहाँ पे हमारे स्टिचेस सेम एज इट इज उतने ही हो जाएंगे जितने हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में डाले थे। अब इसके लिए हम इस राइट साइड की रो को बुनना स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग के जो हमारे ये बटन स्ट्रिप के स्टिचेस हैं 7 फंदे, इनको हम उल्टा बुनेंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, इस फंदे को स्लिप करने के बाद नेक्स्ट फंदों को उल्टा बुनेंगे। फर्स्ट फंदे को स्लिप करने के बाद नेक्स्ट 6 फंदों को मैंने उल्टा बुन लिया है। टोटल यहाँ तक ये 7 फंदे हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट ये जो 2 फंदे हैं ये उल्टे हैं, तो इनको हम उल्टा बुनेंगे। इन दोनों फंदों को उल्टा बुन लेने के बाद फिर ये सीधा फंदा है, धागा पीछे लेकर जाएंगे, इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे। अब यहाँ तक इन फंदों को बुन लेने के बाद आगे जो 10 फंदे हैं इनको देखिए हमें किस तरह से बुनना है। धागा आगे लेकर आएंगे, नेक्स्ट 10 फंदों में से स्टार्टिंग के 2 फंदे इनको हम उल्टा बुनेंगे। 2 फंदों को उल्टा बुन लेने के बाद धागा पीछे लेकर जाएंगे, नेक्स्ट 5 फंदों का सीधा बुनते हुए हमें 1 बनाना है। इस तरह से बैक लूप से इन 5 फंदों को हम लेंगे और ऐसे सीधा बुनते हुए 5 फंदों का 1 बना देंगे। फिर धागा आगे लेकर आएंगे, नेक्स्ट 2 फंदे ये उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे, ये सीधा फंदा है इसको हम सीधा बुनेंगे। तो यहां से लेकर यहां तक जैसे इन 10 फंदों को हमने यहां पे बुना है, ऐसे ही 10-10 फंदों को हम आगे बुनते जाएंगे। तो आप देखिए फिर से 10 फंदों को कैसे बुनेंगे, धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, यहां से लेकर यहां तक इन 10 फंदों में से स्टार्टिंग के जो 2 फंदे हैं इनको हम उल्टा बुनेंगे। इन 2 फंदों को उल्टा बुन लेने के बाद धागा पीछे लेकर जाएंगे, नेक्स्ट 5 फंदों के हम सीधा बुनते हुए 1 बनाएंगे। पांच फंदों का 1 बनाने के बाद धागा आगे लेकर आएंगे, नेक्स्ट 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे, इस फंदे को सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से दोबारा से फिर हमने इन 10 फंदों को बुन लिया है। तो जैसे इन 10-10 फंदों को मैंने आपको बुनकर बताया है, ऐसे ही यहां से लेकर यहां तक ऐसे ही 10-10 फंदों को हम बुनते जाएंगे, और फिर लास्ट में ये 2 फंदे उल्टे और ये 7 फंदे बटन स्ट्रिप के, इनको उल्टा बुनकर, इट मीन्स टोटल ये 9 फंदे उल्टे बुनकर हमें इस रो को कंप्लीट करना है। तो अब इस तरह से इस रो को हम बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। 10-10 फंदों पर डिज़ाइन को रिपीट करते हुए हम लास्ट में आ गए हैं। अब लास्ट में ये जो 9 फंदे हैं, धागा आगे लाकर इनको उल्टा बुनकर इस रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। इन 9 फंदों को उल्टा बुनकर इस रो को मैंने कंप्लीट कर लिया है। हमने इस रो में स्टिचेस एडजस्ट कर दिए हैं जो हमारे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बढ़ गए थे। अब यहाँ पे
स्टार्टिंग में 151 फंदे थे, तो इस रो को कंप्लीट करने के बाद हमारे स्टिचेस दोबारा से 151 हो गए हैं, 151 स्टिचेस हो गए हैं। अब इसके बाद हम रॉन्ग साइड की रो से काउंट करते हुए टोटल 11 सलाइयाँ राइट साइड से भी रॉन्ग साइड से भी उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये जो बटन स्ट्रिप के स्टिचेस हैं इनको हम दोनों साइड से उल्टा बुन रहे हैं, तो भी जब हम इनको राइट साइड से भी रॉन्ग साइड से भी इन फंदों को भी जब उल्टा बुनेंगे तो इसी तरह की लाइंस आ जाएंगी, ये गार्टर स्टिच वाली जो कि हमारी स्लीव में आ गई थी। अब यहाँ से ये जो हम बटन होल बुनते आ रहे थे, मैंने आपको बताया था कि राइट साइड में यहाँ पे जैसे ये लाइंस उल्टी उल्टी लाइंस हमारी 13 हो जाएंगी, फिर हम रॉन्ग साइड में यहाँ से बटन होल बनाएंगे। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये हमारी 13 हो गई हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये 13 उल्टी लाइन हमारी हो गई हैं। अब इसके बाद जब हम रॉन्ग साइड की रो को बुनना स्टार्ट करेंगे तो जो भी हमारे ये बटन स्ट्रिप के स्टिचेस हैं इन पे हम यहाँ पे बटन होल बनाएंगे। अब ये जो हमारे बटन स्ट्रिप के स्टिचेस हैं इन 7 फंदों में से पहला फंदा तो हम स्लिप करेंगे, नेक्स्ट 3 फंदों को उल्टा बुनेंगे, फिर धागा ऐसे हम सलाई पर लपेटते हुए आगे ले आएंगे, फिर नेक्स्ट 2 फंदों को इकट्ठा एक साथ लेंगे, उल्टा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे और लास्ट वाले फंदे को उल्टा बुनेंगे। इस तरह से इन 7 फंदों पर हमने यहाँ पे बटन होल बना दिया है। अब इसके बाद इस पूरी रो को हम उल्टा बुन लेंगे, फिर राइट साइड में भी फर्स्ट फंदा स्लिप करके पूरी रो को उल्टा बुनेंगे। तो इस तरह से अब हम यहाँ से काउंट करते हुए 11 सलाइयाँ राइट साइड से भी रॉन्ग साइड से भी उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे और फिर सारे स्टिचेस को वैसे ही बाइंड ऑफ कर देंगे जैसे हमने यहाँ पे स्लीव में किया था, और फिर यहाँ पे बटन्स लगाकर इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से अब हम यहाँ से 11 सलाइयाँ दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनकर इन स्टिचेस को बाइंड ऑफ करके इसको कंप्लीट कर लेते हैं। दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनकर ये 11 रोज कंप्लीट करने के बाद इन स्टिचेस को मैंने बाइंड ऑफ कर दिया है और यहाँ पे बटन्स भी लगा दिए हैं। अब ये हमारा बेबी कार्डिगन बुनकर कंप्लीट हो चुका है। ये तो मैंने साइज जो तैयार किया है 1 से 2 साल के बच्चे के लिए बनाया है। अगर आप इससे छोटा साइज बुनना चाहते हैं तो हमने जो ये यॉक पार्ट बुना था इसमें ये जो लाइन्स बनाई थी बीच में ये रोज बुनी थी, इनको आप कम कर सकते हैं, तब ये यॉक पार्ट थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, तो ये छोटे साइज के लिए आप फिर इसको बुन सकते हैं। लेकिन अगर आप इससे बड़ा साइज बुनना चाहते हैं तो यहाँ पे नेक में हमें थोड़े से स्टिचेस एक्स्ट्रा लेने होंगे और ये जो हमने यहाँ पे रोज बुनी है इनको भी थोड़ा बढ़ाना होगा, फिर हमारा यॉक पार्ट ये बढ़ जाएगा। और फिर आगे इसी तरह से स्टिचेस को डिवाइड करके आगे इस डिज़ाइन को बुनकर आप अपने बेबी की लेंथ के अकॉर्डिंग इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो मैंने साइज 1 to 2 ईयर के लिए बनाया है इसको हम मेजर कर लेते हैं। यहां से नेक से जब हम इसको मेजर करेंगे 13 इंचेस, 13 इंच ये हमारा लेंथ में बुनकर तैयार हुआ है, और जो स्लीव है ये भी हम यहां से नेक से मेजर करते हैं, ये भी हमारी 13 इंचेस, 13 इंचेस ही बनकर तैयार हुई है। और विड्थ में ये 10 इंचेस, इतना हमारा विड्थ में बुना है। तो इस तरह से ये बेबी कार्डिगन हमारा बुनकर तैयार हो चुका है। अगर आपको ये बेबी कार्डिगन पसंद आया हो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।